हेलो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब दिस इज रूबी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय पीडब्ल्यू स्किल्स आज के लेक्चर में हम लिंक लिस्ट का एक नया वेरिएशन पढ़ने वाले हैं एक नया टाइप जो कि है डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट तो लास्ट लेक्चर्स में हमने सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ा था राइट हमने पूरा उसको समझा था कि लिंकलिस्ट क्या होती है हाउ इज इट बेटर देन आर इज़ उसकी इम्प्लीमेंटेशन अपडेशन इंसर्शन एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पे हमने प्रैक्टिस करे तो वो जो है प्री है फॉर अंडरस्टैंडिंग वट एवर वी गोइंग टू स्टडी नाउ राइट right? क्योंकि अगर आपको सिंगल लिंक लिस्ट समझ में आ गया तो आपको जो बेसिक फंडा है डबली लिंक लिस्ट का या सर्कुलर लिंक लिस्ट का वो भी काफी आराम से समझ में आ जाएगा ठीक है तो उस टॉपिक को कवर करने के बाद ही लेट्स मूव फॉरवर्ड टू टू लेक्चर जहां पे हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं सीधा डबली लिंक लिस्ट से ठीक है अब डबली लिंक लिस्ट से पहले एक बारी रिफ्रेशर ले लेते ले हैं थोड़ा सा सिंगली लिंक लिस्ट का ठीक है जो कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं तो सिंगली लिंक लिस्ट में हमने पढ़ा है कि सिंगली लिंक लिस्ट में देयर आर ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी एंड ईच ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड अ नोड ठीक है इट्स कॉल्ड अ नोड इन अ सिंगली लिंक लिस्ट एंड ईच नोड पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट ठीक है ईच नोड विल पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट तो यहाँ पे जो सिंगली लिंकलेस में जो नोड का स्ट्रक्चर होता था वो कैसा होता था हमारे नोड के दो पार्ट्स होते थे पहला पार्ट होता था हमारा जो भी डेटा होता था जो भी हमें स्टोर करना होता था अपने नोड के अंदर एंड दूसरा होता था एक पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड इन द लिंकलेस ठीक है तो ये तो थी सिंगली लिंकलेस्ट अब डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है शायद आपको नाम से पता चल रहा होगा यहाँ पे हमारे पास दो लिंक्स होते हैं फॉर एवरी नोड मतलब कि हर नोड सिर्फ अपने नेक्स्ट नोड को नहीं पॉइंट कर रहा होगा इट विल बी आल्सो पॉइंटिंग टू इट्स प्रीवियस नोड दोबारा हर नोड इन डबली लिंक लिस्ट विल पॉइंट टू इट्स नेक्स्ट नोड एंड इट्स प्रीवियस नोड जो नोड उसके बाद आ रहा है लिंक लिस्ट में और जो नोड उससे पहले आ रहा है लिंक लिस्ट में ठीक है तो यानी कि यहाँ पे बाय डायरेक्शनल हमारी लिंक्स हो गई ठीक है सो एवरी नोड विल पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड उसका आगे वाला नोड एंड एवरी नोड विल पॉइंट टू द पीछे वाला नोड प्रीवियस नोड तो यहाँ पे जो नोड का स्ट्रक्चर है इन डब्लिंग लिंक्स वो थोड़ा चेंज हो जाएगा एक हमारे पास डेटा तो हो गई एंड हमारे पास पॉइंटर भी होगा टू नोड बट इसके अलावा टू द प्रीवियस नोड पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड तो अगर आपको सिंगली इंग्लिश समझ में आ चुका है आई होप समझ में आ गया है इन द लास्ट लेक्चर उसके बाद आपको बस डब्ली लिस्ट के बारे में ये याद रखना है कि डब्लू लिंकलेस में एवरी नोट विल पॉइंट टू इट्स नेक्स्ट नोट एंड द प्रीवियस नोट इन द लिस्ट एंड डब्लू लिंकलेस के जो है कुछ एडवांटेजेस हैं ओवर सिंगली लिंकलेस तभी हम इसको यूज कर रहे होते हैं कई जगह क्या एडवांटेज होता है सबसे पहले हमारा ट्रैवर्सल जो होता है ट्रैवर्सल कैन बी डन बोथ वेस तो सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता था कि क्योंकि हर नोट जो है अपने नेक्स्ट नोट पे पॉइंट कर रहा होता था इसलिए हम इस नोट से सिर्फ इसके नेक्स्ट वाले नोट पे ही जा सकते हैं इसके पीछे वाले नोट पे हम नहीं जा सकते लेकिन अब डपली लिंक लिस्ट में बिकॉज ये नोट जो है अपने प्रीवियस नोट को भी पॉइंट कर रहा होगा इसलिए हम इस पर्टिकुलर नोट से इसके नेक्स्ट नोट पे भी जा सकते हैं और इसे पीछे वाले नोट पे भी जा सकते हैं इसलिए टैपली लिंकलिस्ट में वी कैन ऑल्सो ट्रैवर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ठीक है फ्रॉम हेड टू हेड जो है हमारा फर्स्ट नोड होता है इन अ सिंगल लिस्ट तो यहाँ पे हम हेड से जो है लास्ट नोड तक भी ट्रावर्स कर सकते हैं और लास्ट नोड से हेड तक भी ट्रावर्स कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे जो भी लास्ट नोड होगा हमारा उसको हम टेल नोड बोल रहे होंगे ठीक है और जो फर्स्ट नोड होगा वो होगा हेड दूसरा एडवांटेज यहां पर यह है कि इंसर्शन इंसर्शन एंड एंड डिलीशन, डिलीशन बिकम्स मोर एफिशिएंट। इन केस ऑफ डबली लिंक लिस्ट हमारा इंसर्शन और डिलीशन जो है वो और इजी हो जाता है और अभी हम ये देख भी रहे होंगे जब हम इंसर्शन डिलीशन देख रहे होंगे एट डिफरेंट प्लेसेस कैसे डब्ल्यू लिंकलिस्ट में काम करता है लेकिन आप ऐसे समझिए कि सिंगली लिंकलिस्ट में क्या हो रहा था कि हमें हमेशा जो है एंड तक ट्रैवर्स करना पड़ा था या अगर कहीं लिंकलिस्ट के बीच में किसी पोजिशन पर जाना है तब भी वील हैव टू ट्रावर्स एंड उस पोजिशन से फिर हम पीछे नहीं जा पा रहे थे हमें हमेशा आ, अगर हमें कुछ पीछे जाना था तो हमें फिर से हेड से स्टार्ट करना पड़ रहा था ट्रैवर्सल राइट लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हम ट्रैवर्सल जो है दोनों डायरेक्शन में कर पाएंगे इसलिए इंसोशन और डिलीशन यहाँ पे मोर इफिशियंट हो जाएगी वो केसेस जहां पे हमने ओ ऑफ एन देखा था इन सिंगली पे इंसर्शन और डिलीशन वो स्टिकिंग ओ ऑफ एन टाइम वो हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम कैसे ओ ऑफ वन टाइम में भी कर पा रहे होंगे लेकिन डबली लिंकलेस की डिसएडवांटेज भी है इट आल्सो हैज अ डिसएडवांटेज एंड व्हाट इज दैट द डिसएडवांटेज इज एक्स्ट्रा स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस फॉर प्रीवियस नोड पॉइंटर सिंगली लिस्ट में हमारे नोड में एक हमारी डेटा होती थी और एक हमारा पॉइंटर होता था टू द नेक्स्ट नोड ठीक है एक ही पॉइंटर होता था वहां पे यहाँ पे अब एक और पॉइंटर एड हुआ है इन एवरी नोड जहा पे हम प्रीवियस जो नोड है उसका एड्रेस स्टोर कर रहे होंगे इसलिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो लग रही होगी इन डब्ली लिंकलेस्ट ठीक है तो जहां पे हमारा स्पेस कंस्ट्रेंट होगा वहां पे हम डब्ली लिंकलेट यूज़ करना प्रेफर नहीं कर रहे होंगे नाउ लेट्स लुक कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी ऑफ अ नोड इन लिंक तो हमने ये समझ लिया कि हमारे नोड में जो है तीन पार्ट्स होंगे एक होगी जो भी वैल्यू हमें स्टोर करनी है एक होगा नेक्स्ट पॉइंटर और एक होगा प्रीवियस पॉइंट ठीक है जहां पे नेक्स्ट वुड बी पॉइंटिंग टू पॉइंटिंग टू दोड एंड मेरा प्रीवियस पॉइंटिंग टू माई प्रीवियस वो कैसी दिख रही होगी हमारी यहाँ पे हमारे हर दो नोट के बीच में दो लिंक्स होंगे ठीक है जैसे सिंगली लिंक्स लिस्ट में हम एक लिंक देख रहे थे यहाँ पे डबल लिंक्स होंगे बिटवीन एवरी टू नोट हमारा फर्स्ट नोट जो होगा सिंगली लिंक लिस्ट की तरह ही वुड बी गिवन बाय द हेड नोट एंड जो लास्ट नोट होगा दैट वुड बी गिवन टू अस बाय द टेल दोड ठीक है तो जब भी हम लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे होंगे कोड में तो हम हेड और टेल जो है दोनों पॉइंटर्स uh, बना के रख लेंगे जहाँ पे हेड वुड बी पॉइंटिंग ऑलवेज टू माय फर्स्ट नोट एंड टेल वुड बी पॉइंटिंग ऑलवेज टू माय लास्ट नोट इन द लिंक लिस्ट एंड वन मोर थिंग यहाँ पे जो हेड का जो नेक्स्ट होगा वो तो नेक्स्ट नोट पे ही पॉइंट करेगा लेकिन टू नल ठीक है, क्योंकि head से पहले हमारा कोई node नहीं है तो दैट विल एंड सिमिलरली टेल का जो नेक्स्ट होगा दैट विल पॉइंट टू नल ठीक है तो ये तो हमने सिंग्ली लिंक में भी देखा था कि जो लास्ट नोट था उसके नेक्स्ट में मिशन नला आता था सिमिलरली यहाँ पे हेड नोट जो होगा उसके प्रीवियस में भी लहाएगा क्योंकि उससे पहले हमारा कोई नोड नहीं है राइट तो अगर हम लास्ट से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करें फ्रॉम द टेल दोड तो हमें पता चल जाएगा कि अगर किसी नोड के प्रीवियस में नल आ रहा है तो मतलब कि वहां पे वी कैन स्टॉप क्योंकि वहां पे हमें अपना फर्स्ट नोड मिल गया है राइट तो एक बार इसको कोड में देखते हैं आप द द्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंकलेस स्ट्रक्चर तो अब इसको कोड में देखते हैं हाउ आर नोड एंड डब्ल्यू लिंक लुक लाइक सबसे पहले लेट्स डिफाइन आर नोड अ सिंगल नोड इन आर डब्ली लिंकलेस तो उसके लिए विल क्रिएट अ क्लास जहाँ पे इसके तीन डेटा मेंबर्स होंगे सबसे पहले जो भी हमें वैल्यू स्टोर करनी है अपने नोड में अगेन दिस कैन बी दिस डरलीव टू बी इंटीजर एंड यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम इन टीचर ही हो हमारी जो भी वैल्यू है इट कैन बी बुलर और इट कु टाइप एज वेल ठीक है विच मीन्स इट कुड बी अनदर क्लास एंड हमारे यहाँ पे दो पॉइंटर्स होंगे ऑफ टाइप नोड स्टार ठीक है वाई नोड स्टार बिकॉज दिस पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टू अनदर नोड ठीक है तो इसका टाइप क्या होगा दैट विल बी नोड स्टार नोड स्टार प्रीवियस एंड नोड स्टार नेक्स्ट ठीक है तो ये दोनों हमारे पॉइंटर्स होंगे इन एवरी नोड इन अ अबली लिंकलिस्ट एंड यहाँ पे लेट्स ऑल्सो डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर जहाँ पे इफ यू आर पासिंग समेटा तो हमारे नोड के वैल्यू में डाल जाएगा डेटा दैट इज पास्ट एंड जो हमारा प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंटर्स हैं उनको हम उनमें वैल्यू डाल देंगे अभी नल ठीक है अब उनमें अभी के लिए विल जिस पुट नाइल सो दिस इज आर नोट स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे वी कैन क्रिएट नोट स्टार न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड जहां पर हमने कुछ वैल्यू दे दी थ्री ठीक है नाउ लेट्स ऑल्सो क्रिएट अ क्लास फॉर आर डब्ली लिंक लिस्ट ठीक है सो क्लास डब्ली लिंक लिस्ट तो हमारी जो डबली लिंक लिस्ट है वहाँ पे हमारे डेटा मेंबर्स में क्या क्या आएगा दो पॉइंटर्स हेड एंड टेल ठीक है कोई भी अगर हमारी लिंक लिस्ट है तो उसको हम कहीं पे भी पास कर कहीं पे भी हम यूज कर रहे हैं आइडेंटिफाई कर रहे हैं वी कैन डू दैट यूजिंग दीज टू पॉइंटर्स हेड एंड टेल ठीक हैड रखना है कि कई बार डब्ल्यू लिंकलेस इम्प्लीमेंट करते हुए हम टेल हो सकता है यूज ना भी कर रहे हो ठीक है क्योंकि हेड से भी हम जो है पूरी जो हमारी लिंकलेस होती है उसको ट्रेवर्स कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं बट टेल नोट से हमारा जो काम है वो ईजी हो जाता है अगर हमें लास्ट नोड एक्सेस करना है अपनी लिंक लिस्ट का तो हमें हेड से ट्रावर्स नहीं करना पड़ेगा हमारे पास डायरेक्टली बी पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड फॉर एस ठीक है तो उसके लिए हैव डिफाइंड पॉइंटर टू द लास्ट नोड टेल एंड इसके लिए एक कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं जहां पे हम हेड और टेल को नल पॉइंट करवा देंगे मीनिंग देर इज नो नोड इन दिसबली हूँ टू द नोट दट आई डिफाइंड यहाँ पे एंड एक्चुअली यहाँ पे जो टेल है वो भी इसी नोट को पॉइंट कर रहा होगा ठीक है ये चीज समझ में आ रही है क्योंकि एक ही नोट है हमारे पास तो हेड और टेल वुड बोथ वे पॉइंटिंग टू दैट पर्टिकुलर नोट एंड यहाँ पे हम प्रिंट करवा के देख सकते हैं हमारा डब्ली लिंक लिस्ट के हेड में जो वैल्यू है एंड दैट शुड प्रिंट थ्री राइट यहाँ पे थ्री जो है हमारा प्रिंट हो रहा है मतलब कि हमने लिंक लिस्ट के हेड में एक नोट डाल दिया है लिंक लिस्ट में हमारी जो डब्ली लिंक लिस्ट है उसमें हमने एक नोट डाल दिया है जहाँ पे जो हेड है उसकी वैल्यू कमिंग आउट बी ठीक है जो कि हमने नोट डिफाइन किया था लेट्स कम बैक हियर नाउ एंड सी हाउ कैन वी ट्रेवर्स अ डब्ली लिंक लिस्ट ठीक है तो डबली लिंक लिस्ट में हमारा ट्रैवर्सल से लाइक आई सेंड इजियर हो जाएगा बाय डायरेक्शनल हो जाएगा ठीक है तो हम लेफ्ट से राइट भी ट्रावर्स कर सकते हैं राइट से लेफ्ट भी ट्रैवर्स कर सकते हैं तो अगर हमें लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करना है फ्रॉम द फर्स्ट नोट टू द लास्ट नोट तो हम स्टार्ट करेंगे अपने हेड नोट से यहाँ पे हम एक पॉइंटर बना देंगे ठीक है टेम्प पॉइंटर जो कि हेड पॉइंटर से स्टार्ट होगा हेड नोट से स्टार्ट होगा एंड कीप ट्रावर्सिंग जब तक हम नल पे नहीं पहुंच जाता जब तक हमारा जो नल पे नहीं पहुंच जाता जब वो पे पहुंच जाएगा जाएगा तो हमें पता चल हमारी लिंक लिस्ट जो है वो एम हो चुकी है ठीक है सो दिस इज वन वेदर वे जहां पे हमें राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करना मतलब कि लास्ट नोट से फर्स्ट नोट पे तो हम वहां पे क्या करेंगे हमारे पास टेल नोट जो है गिवन होगा जो कि मेरे डबली लिस्ट लिस के लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, एंड वहाँ से मैं एक टेम्प पॉइंटर बनाऊंगी, एंड आई विल कीप मूविंग इट टू द प्रीवियस नोड, विल कीप मूविंग इट टू द प्रीवियस नोड, जब तक मेरा टेम्प जो है वो नल पर नहीं पॉइंट करता ठीक है नल का पॉइंट करेगा मतलब कि हमारी लिंक लिस्ट पूरी ट्रैवर्स हो चुकी है ये नल कहाँ से आ रहा है जो मेरा हेड नोड है फर्स्ट नोड है उसके प्रीवियस में मेरे पास नल होगा हमेशा राइट तो दिस इज हाउ विल बी एबल टू ट्रैवर्स एंड इसको हम कोड में भी देख रहे होंगे इन जस्ट अ मिनट लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हाउ कैन वी इंसर्ट नोड्स इन अ डबली लिंक्ड लिस्ट ठीक है सो so, जैसे हमने सिंगली लिस्ट में देखा था वैसे ही हम यहाँ पे देख रहे होंगे एंड लेट्स स्टार्ट विद स्टार्टिंग ऑफ माय डबली लिंक ठीक है तो मेरे डबली लिस्ट का मुझे हेड गिवन होगा सबसे पहले मुझे क्या करना होगा मुझे बनाना होगा एक न्यू नोड आई विल क्रिएट नोड ठीक है विद वॉट एवर वैल्यू दैट इज गिवन टू बी नाउ दिस न्यू नोड आई हैव टू इंसर्ट एट द स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट मे लिंक लिस्ट के डब्ली लिंक लिस्ट के स्टार्ट पे मुझे इस न्यू नोड को इंसर्ट करना है तो यहाँ पे जो न्यू नोड है उसके नेक्स्ट में आ जाएगा जो भी मेरा हेड नोड होगा अभी एंड जो हेड नोड है उसके प्रीवियस में आ जाएगा जो मेरा न्यू नोड है। डबली लिंक लिस्ट में मैक्सिमम बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो यही कि हम नेक्स्ट पॉइंटर तो सेट करते हैं लेकिन प्रीवियस पॉइंटर सेट करना जो है भूल जाते हैं ठीक है क्योंकि सिंगल लिंक लिस्ट में हमें नेक्स्ट पॉइंटर की आदत हो जाती है तो डबली डब्ली लिस्ट जब भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो जब भी यूज कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास दो पॉइंटर्स हैं अब जिनको आपको सेट करना है फॉर एवरी नोड अगर आप कोई नोट इंसर्ट हो डिलीट कर रहे हो वॉट यू हैव टू टेक केयर ऑफ टू पॉइंटर्स

लेट सी दिस इन कोड नाउ तो हम अपने डब्ली लिस्ट की जो क्लास है उसी के अंदर उसका फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं बिकॉज दिस फंक्शन वुड बी रनिंग ऑन द डब्ली लिस्ट ओनली ठीक है तो यहाँ पे विल क्रिएट अ फंक्शन इंसर्ट एट स्टार्ट जहाँ पे हम कुछ जो है वैल्यू पास कर रहे होंगे जो कि हमें अपने न्यू नोड में चाहिए ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक न्यू नोट बना लेते हैं भाई जो कि हमें इंसर्ट करना है तो नोट स्टार न्यू नोट इज इक्वल टू न्यू नोट एंड जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू हमें मिली है नाउ लेट्स ऑल्सो चेक कि जिस लिंक लिस्ट में हम ये नोड इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो अभी एम तो नहीं है राइट right? अगर उसमें कोई नोड है ही नहीं तो हमारा हेड नोड जो है दैट वुड बी नल एक्चुअली हेड वुड बी पॉइंटिंग टू नल ठीक है सो लेट्स चेक

तो अगर हमारी लिंकलिस्ट एम है तो हम अपने लिस्ट के हेड और टेल पॉइंटर्स को न्यू नोड पे पॉइंट करवा के रिटर्न करवा देंगे द इज़ नॉट तो उस केस में हमें क्या करना है सबसे पहले न्यू नोड का जो नेक्स्ट है न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा हमारा जो अभी हेड नोड है एंड हेड नोड के प्रीवियस में आ जाएगा जो मेरा न्यू नोड है ठीक है And finally, my head would come where to my new node. My head, my new head, would be pointing to the new node that I just created. Okay. So this is how we can insert a node at the beginning of a doubly linked list. And let's see this in code. Run karke So I'll say doubly linked list dot insert, and let's insert some values. लेट्स ऑल्सो क्रिएट अ डिस्प्ले फंक्शन जो कि हमारे लिंकलूस को ट्रेवर्स करेगा एंड डिस्प्ले करेगा ऑल द वैल्यूज ठीक है सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन ह्योर वर्ड डिस्प्ले जहां पे वट विल डू इज वील क्रिएट अ टेम्प पॉइंट ठीक है विच विल स्टार्ट फ्रॉम हेड नोट तो अभी हम हेड नोड से लास्ट नोड तक ट्रैवर्स करना चाह रहे हैं तो जब तक हमारा टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल जब तक टेम्प जो है नल तक नहीं पहुंचता तब तक हमें क्या करना होगा टेम्प की जो भी वैल्यू होगी उसको हम प्रिंट कर देंगे एंड वील ऑल्सो डू टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट वेर बेसिकली हम अपने टेम पॉइंटर को उसके नेक्स्ट नोट पे बढ़ा रहे हैं ठीक है एंड एट दी एंड इट्स जस्ट प्रेस प्रिंट नेक्स्ट लाइन ठीक सो ये हमारी डबली लिंक लिस्ट है जहाँ पे हमने तीन एलिमेंट्स ऐड करे हैं एंड आई विल कॉल द डिस्प्ले फंक्शन ऑन आर डबली लिंक लिस्ट तो वी आर गेटिंग आर लिंक लिस्ट पे फर्स्ट एलिमेंट इज थ्री देन टू फिर वन ठीक है ये समझ में आ रहा है ना क्यों क्योंकि हमने पहले जो है वन ऐड किया है फिर उसके बाद हमने स्टार्टिंग में टू ऐड किया है फिर हमने स्टार्टिंग में थ्री ऐड किया है ठीक है आई कैन ऑल्सो प्रिंट दिस ईयर ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये नोट्स जो है वो स्टार्टिंग में कैसे इंसर्ट हो रहे हैं पहले सिर्फ वन था देन टू इंसर्ट हुआ स्टार्टिंग में फिर थ्री इंसर्ट हुआ एंड सो ऑन ठीक है एंड ये थोड़ा सा वियर लग रहा होगा ये हमें ये जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है स्पेशली लास्ट में क्योंकि नल का कोई प्रीवियस पॉइंटर नहीं होगा तो नल जो है वो वन को नहीं पॉइंट कर रहा होगा आई जस्ट वॉन्टेड टू शो दी बाई डायरेक्शनल लिंक टू यू कि हाँ पे one, यहाँ पे टू विल बी पॉइंटिंग टू वन एंड यहाँ पे वन विल ऑल्सो पॉइंट टू टू उसका प्रीवियस पॉइंटर विल ऑल्सो पॉइंट टू टू सो आई जस्ट रिमूव दिस फ्रॉम ह्योर एंड एड अ स्पेस लेकिन क्योंकि आई डोंट नाट क्रिएट कन्फ्यूजन यहाँ पे कि बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे इसके बाद क्या आ रहा है इसके बाद अगर नल है अगर मैं यहाँ पे नल भी प्रिंट करवा दूँ तब भी आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि नल का प्रीवियस जो है वो कैसे पॉइंट कर रहा है ठीक है तो Let me just remove this from here. आप लोग में हमारा की तरफ पॉइंट कर रहे होंगे ठीक है लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी के हमारे डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हाउ डू बी एड अ नोट एट द लिंक लिस्ट list, ठीक है तो यहाँ पे एंड ऑफ द लिंक लिस्ट के लिए हमने एक पॉइंटर रखा हुआ है टेल विच विल पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड ऑफ माई डब्ल्यू लिंक अब इसके बाद मुझे सीधा जो है एक नोड को इंसर्ट करना है तो आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ न्यू नोड आई विल क्रिएट अ न्यू नोड एंड ये जो मेरा टेल नोड है इसके नेक्स्ट में आ जाएगा न्यू नोड टेल नोड वुड पॉइंट टू द न्यू नोड न्यू नोड का जो प्रीवियस है दैट वुड पॉइंट टू माई टेल नोड एंड अपनी लिंक को ट्रावर्स करने की जरूरत नहीं पड़ रही ठीक है यहाँ पे भी हमने ट्रावर्स नहीं किया था लेकिन यहाँ पे हमने सिंगली लिंक में भी ट्रावर्स नहीं किया था लेकिन सिंगली लिंकलिस्ट में जब हमें नोट एट दी एंड एड करना था तो वहां पे हमें पूरी लिंकलिस्ट को ट्रावर्स करना पड़ा था यहाँ पे क्योंकि हमारे पास टेल नोड है तो वी कैन सिंपली यूज दैट टू एड अ नोड एट द एंड तो यहाँ पे जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ एडिंग एट द द स्टार्ट ऑफ़ लिस्ट या फिर एट द एंड ऑफ द लिंकलिस्ट बोथ विल बी ऑफ वन ठीक है कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोड में देखते हैं विल क्रिएट अ फंक्शन एट एंड जहां पे अगेन हम कुछ वैल्यू पास करें होंगे फॉर आर न्यू नोड तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट आर न्यू नोड न्यू नोड एंड लेट्स ऑल्सो चेक कि अभी तक की हमारी लिंक एम टी तो नहीं है ठीक है क्योंकि कि अगर वो एम टी होगी तो उसके नेक्स्ट जो टेल नोड है दैट वुड बी पॉइंटिंग टू नल तो वहाँ पे हम उसके नेक्स्ट में कोई एलिमेंट नहीं ऐड कर पाएंगे तो वी कैन जस्ट चेक कि इफ टेल इज इक्वल टू नल और हेड इज इक्वल टू नल ए की बात है ऐसा um, नहीं होगा कि हेड जो है दैट इज एट नल एंड टेल इज़ नॉट इक्वल टू नल ठीक है अगर मिड मिडिल लिस्ट में एक भी नोड नहीं है तभी दोनों पॉइंटर्स वुड बी पॉइंटिंग टू नल अगर एक भी नोड है तो नन ऑफ दीज पॉइंटर्स वुड बी पॉइंटिंग टू नल सो इफ टेल नोड इज

तो मुझे क्या करना होगा मैं टेल के नेक्स्ट में डाल दूंगी जो भी मेरा न्यू नोड होगा न्यू नोड के प्रीवियस में आ जाएगा न्यू नोड के प्रीवियस में आ जाएगा मेरा टेल नोड एंड फाइनली आई विल मूव टेल पॉइंटर टू द न्यू नोड ठीक है यहाँ पे न्यू नोट के नेक्स्ट को हमें छेड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि न्यू नोट क्योंकि हमारा लास्ट नोट बन रहा है तो उसका नेक्स्ट जो है वो नल ही रहेगा ठीक है जो कि बाई डिफॉल्ट हमने एड कर रखा है एंड वी कैन रिटर्न ठीक है सो दिस इज हाउ वी इंसर्ट अ नोट एट दी एंड एंड लेट्स ट्राई दिस टू डी डॉट इंसर्ट एट एंड तो हमने अपनी लिंक लिस्ट में पहले वन ऐड किया है एट दी एंड फिर टू ऐड किया एट दी एंड फिर थ्री ऐड किया है ठीक है सो दिस इज आर डबली लिंक लिस्ट नाउ नेक्स्ट लेट्स सी इफ वी नीड टू ऐड अ नोड एट सम केथ पोजिशन इन अ डबली लिंक लिस्ट ठीक है तो सपोज हमारी लिंक लिस्ट हमें गिवन है एंड हमें के की की वैल्यू गिवन है लेट्स टेक थ्री फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो इस पोजीशन पे हमें अपना न्यू नोट जो है इंसर्ट करना है हम सबसे पहले क्या करेंगे हम सबसे पहले जो है एक न्यू नोट क्रिएट कर लेंगे दिस विल बी माय न्यू नोट जो कि मुझे k इज इक्वल टू थ्री यहाँ पे इंसर्ट करवाना है तो हम हेड नोट से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे एंड वी कैन ट्रैवर्स टिल k पोजिशन या फिर k माइनस वन के पोजीशन से भी हमारा काम चल जाएगा क्योंकि हम आगे पीछे के नोट से ट्रावर्स कर सकते हैं इन डब्ली लिंक लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स ट्रावर्स टिल के माइनस वन पोजिशन के माइनस वन पोजिशन पर जो नोड होगा उसके बाद हमें अपना न्यू नोड ऐड करना है ठीक तो है तो सपोज़ यहाँ पे हमारा टेम्प पॉइंटर है तो के माइनस वन पोजिशन पर जो नोड है उसके नेक्स्ट में हमें न्यू नोड ऐड करना है उससे पहले न्यू नोड के नेक्स्ट में मैं पॉइंट करवा दूंगी जो भी मेरा टेम्प का नेक्स्ट होगा ठीक है दिस इज टेम्प का नेक्स्ट तो टेम्प न्यू नोड का नेक्स्ट विल पॉइंट टू टेम्प का नेक्स्ट एंड ये वाली लिंक अप जो टेम्प का नेक्स्ट है उसमें मैं ऐड कर दूंगी जो मेरा न्यू नोड है ठीक है टेम्प के नेक्स्ट में ऐड कर दिया न्यू नोड नाउ ऑल ऑफ द नेक्स्ट पॉइंटर्स आर डन अब प्रीवियस पॉइंटर्स पे आते हैं जो मेरा न्यू नोड का प्रीवियस है दैट शुड पॉइंट टू

जहाँ पे हम एक वैल्यू पास करेंगे जो कि हमें अपनी न्यू नोट में चाहिए एंड सम पोजिशन के सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि वे आर और इक्वल टू डबली लिंकल ठीक है ये मोस्टली आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा ठीक है वरना वी कैन चेक ऑल्सो कि के की वैल्यू जो है वो ज्यादा कि अगर के की वैल्यू इज मोर देन देंथ ऑफ द लिंकलैस तो वी कैन जस्ट स्किप तो यहाँ पे अगर k की वैल्यू इज लेस एन इक्वल टू लेंथ ऑफ लेबली लिंक तो हमें सबसे पहले k माइनस वन पोजिशन तक ट्रावर्स करना है तो उसके लिए हम एक नोट स्टार टेंप पॉइंटर बना लेते हैं जो कि हेड नोट से ट्रावर्स करना स्टार्ट करेगा एंड यहाँ पे हमें अब kth पोजिशन तक ट्रावर्स करना है तो एक काउंटर बना लेते हैं इसके लिए सबसे पहले इन काउंट इज इक्वल टू वन ठीक है क्योंकि जो फर्स्ट नोड है उसको हम वन पोजीशन ले रहे हैं ना कि जीरो पोजीशन तो वो आप लोग चेक कर लेना जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है वहाँ पे जीरो इंडेक्सिंग हो रखी है नोड्स की या फिर वन बेस्ड इंडेक्सिंग हो रखी है यहाँ पे अगर हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग मान के चल रहे हैं तो हमें एक वाइल लूप लगाना पड़ेगा कि जब तक काउंट इज लेस देन के माइनस वन तब तक हम टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट करेंगे एंड काउंट को प्लस प्लस करते रहेंगे हमारा uh, जो है, ठीक है तो अब इस नोड के बाद मुझे अपना न्यू नोड ऐड करना है तो सबसे पहले अपना न्यू नोड क्रिएट कर लेते हैं न्यू नोड नाउ टू इंसर्ट दिस हम सबसे पहले क्या करते हैं न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल देते हैं टेम्प का नेक्स्ट एंड टेम्प के नेक्स्ट में फिर डाल देते हैं अपना न्यू नोड अब क्या आप लोगों को यहाँ पे ये दिख पा रहा है कि हमने पहले ये वाला स्टेप क्यों नहीं किया कि टेम्प के जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है उसको चेंज कर दिया टू मेक इट पॉइंट टू द न्यू नोड। अगर हम वैसा करते तो हमारा जो कैथ पोजिशन पे जो ओरिजिनली नोड था वो हमारा घूम हो जाता राइट इसलिए हमने पहले न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल दिया वो वाला नोड जो टेम्प के नेक्स्ट में था एंड फिर जो टेम्प का नेक्स्ट है पॉइंटर उसको चेंज कर दिया उसकी वैल्यू चेंज कर दी तब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर्स को हमने संभाल लिया अब आते हैं अपने प्रीवियस पॉइंटर्स पे तो अपना न्यू नोड का जो प्रीवियस पॉइंटर होगा दैट विल बी पॉइंटिंग टू माई टेम्प पॉइंटर ठीक है ये तो क्लियर है हमें एंड जो न्यू नोड का नेक्स्ट नोड है ठीक है न्यू नोड का जो नेक्स्ट नोड है जो कि ओरिजिनली कैथ पोजिशन पे था या जो ओरिजिनली टेम्प के नेक्स्ट नोड टेम्प का नेक्स्ट नोड था उसके प्रीवियस में आ जाना चाहिए मेरा न्यू नोड ठीक है तो इसको एक बारी ड्रॉ करके देना देखना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यहाँ हम पे हमने एग्जैक्टली exactly कोड में क्या किया है एंड इसके बाद हम रिटर्न कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे स्कोर कॉल करके देखते हैं इंसर्ट एट पोजिशन जहां पे वी आर इंसर्टिंग सम वैल्यू फोर एट पोजिशन थ्री सॉरी एंड लेट्स डिस्प्ले आर लिंक लिस्ट डबली लिंक लिस्ट ठीक है तो ये थी मेरी लिंकलिस्ट डबली लिंक लिस्ट एंड यहाँ पे जो थर्ड पोजिशन है वहां पे मैंने एक नया नोड इंसर्ट किया है विद वैल्यू फोर ठीक है तो यहाँ पे दिख पा रहे है हमें cool. uh, वहां पर जो भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी दैट विल बी ओ ऑ ऑफ के ठीक है क्योंकि हमें केएथ पोजिशन तक के माइनस वन पोजिशन तक ट्रावर्स करके जाना पड़ेगा तो o of k would become our time complexity in worst case this would be o of n where k is less is equal to the length of my linked list n let's talk about deletion uh, in doubly linked list and we'll start with this not add sorry this is deleting a node from the start of my linked list so this is my linked list doubly linked list एंड यहाँ पे मुझे हेड नोड को डिलीट करना है। जो मेरा फर्स्ट नोड है इन डबली डपली लिस्ट तो जब भी हमने सिंगली लिस्ट में डिलीशन वाला लॉजिक देखा है तो हम क्या करते थे सबसे पहले जो नोड डिलीट करना होता था उसको पॉइंट करवाते थे बाय अ टेम्प पॉइंटर ताकि वो जो भी स्पेस जो ऑक्यूपाई है उसको हम फ्री कर पाए बाद में ठीक है तो इसको हमने पॉइंट करवा लिया बाय अ टेम्प पॉइंटर जो नोड हमें डिलीट करना है अब मेरा हेड जो है वो मुझे मूव करना पड़ेगा दिस विल नो लॉन्गर बी द हेड क्योंकि मुझे डिलीट करना है मेरा न्यू हेड कहाँ आएगा न्यू हेड वुड बी हेड का नेक्स्ट ठीक है न्यू हेड वुड बी एट हेड का नेक्स्ट जो मेरा सेकेंड नोड होगा एंड मेरा हेड का जो प्रीवियस होगा ठीक है ये लिंक मैं चेंज कर दूंगी ताकि इसका प्रीवियस जो है दैट शुड पॉइंट टू ठीक है मेरा जो हेड पॉइंटर है Node है उसका ठीक है so, so इसकी time complexity constant ही रहेगी क्योंकि हमें ट्रेवल्स नहीं करना पड़ा कहीं पे भी तो दिस विल बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओफ वन कोड में देखते हैं इसको void डिलीट एट स्टार्ट जहां पे हम एक चेक लगा सकते हैं कि अगर हेड जो है वो नल है मतलब कि हमारी लिंक लिस्ट एम है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा रिटर्न कर सकते हैं अगर कोई भी एक भी नोट प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एक पॉइंटर बना लेंगे टेम्प विच विल बी पॉइंटिंग टू द करंट हेड एंड अब जो है हम करंट को मूव सॉरी हेड को मूव कर देंगे टू हेड का के जो जो अब मेरा है, उसके प्रीवियस में मैं डाल दूंगी नल ठीक है बट फर्स्ट लेट्स ऑल्सो चेक की यहाँ पे हेड जो है वो नल ना हो राइट right? क्योंकि इनकेस हमारे पास एक ही नोड हो मेरी लिंक लिस्ट में ठीक है और मैंने उसको डिलीट कर दिया और हेड को पॉइंट करा दिया हेड के नेक्स्ट में जो कि नल होगा ठीक है तो यहाँ पे हेड वुड बी पॉइंटिंग टू नाउ नल तो नल का प्रीवियस अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगी तो दैट विल थ्रो मी नैर तो अगर हेड आफ्टर मूविंग द हेड पॉइंटर टू द सेकेंड नोड इफ इट इज स्टिल नॉट नल तो हम हेड के प्रीवियस में डाल देंगे हेड के प्रीवियस में डाल देंगे नल ठीक है एंड देन वी आर गुड टू डिलीट माई टेम्प नोड ठीक है एंड अब हमें जो नया हेड नोड है उसके प्रीवियस में डालना है नल ठीक है लिस्ट में जो हेड नोड होगा उसका प्रीवियस पॉइंट्स टू नल लेकिन उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा हेड जो है अब नल तो नहीं हो गया मतलब कि हमारे लिंक लिस्ट में अगर सिर्फ एक ही नोड प्रेजेंट हो ठीक है कोई सेकेंड नोड हो ही ना तो यहाँ पे हेड इज इजल टू हेड का नेक्स्ट जब हम करेंगे तो नाउ हेड विल पॉइंट टू नल ठीक है तो इस केस में हमारी लिस्ट जो है वो एम हो चुकी है तो हम टेल नोड को भी नल की तरफ पॉइंट करवा देंगे और रिटर्न कर जाएंगे या फिर लेट्स वेट क्योंकि अभी हमें टेम्प नोड को भी फ्री करना है ठीक है तो हम यहाँ पे बस क्या करेंगे कि अगर हमारा हेड नल है मतलब कि हमारी लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड प्रेजेंट था इफ इफ डबली लिस्ट Had, had तो स में हम अपने टेल पॉइंटर को भी नल की तरफ पॉइंट करा देंगे मतलब कि हमारी लिंकलिस्ट अब एम टी है एल्स अगर सेकेंड नोड जो है वो नल नहीं है मतलब सेकेंड नोड इज प्रेजेंट इन आर डबली लिंकलिस्ट तो हम बोलेंगे कि हेड का जो प्रीवियस है उसको पॉइंट करवा दो तो ठीक है क्योंकि अगर यहाँ पे हेड नल होता और हम उसका प्रीवियस एक्सेस करने की कोशिश करते तो हमें एरर थ्रो हो जाती राइट सो वील चेक योर एंड आफ्टर दैट वी विल फ्री आर नोट दैट इज बींग टेम्प पॉइंटर बिफोर रिटर्निंग ठीक है इसको यहाँ पे यूज करके देखते हैं I will say DLL delete at start and then display my doubly linked list. So this was my linked list one two four three and यहाँ पे जो first node है वो मैंने delete कर दिया है one जो यहाँ से delete हो गया। You can also see कि अगर हम ये delete at start यहाँ पे call करते right जहां पे सिर्फ एक ही नोड था मेरी लिंकलिस्ट में तो वहाँ तो वहां पे भी हमारा जो कोड है रन, इंसर्ट वाली चीज हम हटा देते हैं क्योंकि द पोजिशन इज मोर देन लेंथ ऑफ द लिंकलिस्ट योर ठीक है तो यहाँ पे एक नोट था वो भी डिलीट हो गया वन आई कॉल डिलीट एट स्टार्ट एंड देन आई एडेड टू एंड थ्री Let's move forward and discuss deletion at the end of the doubly linked list. ठीक है तो यहाँ पे अब मेरे पास जो tail node वाला node है मतलब कि जो मेरा last node है जहाँ पे मेरा tail pointer है वो मुझे delete करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको एक temp पॉइंटर से पॉइंट करा लेंगे जो भी हमें नोड डिलीट करना हो तो उसको हम temp पॉइंटर से पॉइंट करा लेते हैं तो टेल नोड को मैंने पॉइंट करा लिया बाय temp पॉइंटर अब जो टेल का जो प्रीवियस है टेल का जो प्रीवियस नोड है इसके नेक्स्ट में जाना चाहिए नल ठीक है तो मतलब कि मुझे ये लिंक जो है चेंज करनी पड़ेगी एंड इसके नेक्स्ट में मुझे डालना होगा एंड देन आई कैन मूव फॉर मूव माई टेल नोट टू जो भी मेरा टेल का प्रीवियस नोट था ठीक है ये वाली लिंक है अभी भी तो मैं इसका प्रीवियस वाला नोट एक्सेस कर पाऊंगी एंड फाइनली आई विल फ्री अप माई टेम अब जैसे हमने इंसर्शन के टाइम पर चेक किया था ऐसे हम यहाँ पर रिलेशन में भी चेक कर लेंगे कि क्या हमारे लिंकलिस्ट में सिर्फ एक ही नोट प्रेजेंट है मतलब कि टेल नोट से पहले कोई अगर नोट प्रेजेंट ही नहीं है तो उसके इसमें हम डिलीट करने से पहले हेड और टेल दोनों को नल पे ले आएंगे ठीक है नल टेल तो यहाँ पे आ ही जाएगा हेड को भी हम नल पे ले आएंगे इसका मतलब कि हमारी लिंक लिस्ट जो है वो एम है एंड यहाँ पे अगेन हमें कुछ रवर्स नहीं करनी पड़ रही अपनी डबली लिस्ट तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन इट्स राइट अ फंक्शन फॉर दिस डिलीट एट एंड जहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि भैया अगर एक भी नोड नहीं है ऑलरेडी लिस्ट हमारी एम है तो फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है राइट अगर हेड इज इक्वल टू या फिर टेल इज़ इक्वल टू नल कुछ भी चेक कर सकते हैं तो सीधा रिटर्न कर जाओ वरना लेट्स सी हमें कौन सा नोट डिलीट करना है हमें नोट डिलीट करना है अपना टेल नोट तो उसको हमने पॉइंट करवा दिया बाय टेम्प पॉइंटर फिर टेल का जो प्रीवियस नोड है टेल ते, का जो प्रीवियस नोड है सबसे पहले हम टेल को पीछे ले आते हैं ठीक है फिर हम वो लिंक चेंज कर लेंगे तो टेल को हम ले आते हैं टेल के प्रीवियस पे टेल को ले आए हम टेल के प्रीवियस नोड पे एंड अब टेल का जो अब जो न्यू टेल नोड है मतलब कि जो न्यू लास्ट नोड है जो कि पहले सेकंड लास्ट नोड था उसके नेक्स्ट में मुझे डालना है नल क्योंकि अब वो मेरा लास्ट नोड बन चुका है तो वो करने से पहले मैं चेक कर लूंगी कि क्या टेल जो है वो नल के इक्वल तो नहीं हो गया अगर वो नल के इक्वल हो गया है तो हेड को भी नल के इक्वल कर दो मतलब कि मेरी लिस्ट जो है वो एम हो गई है अगर नहीं तो हम टेल के नेक्स्ट में डाल देंगे नल and then we can free up temp before we return right let's use this delete at end so this was my last link list with 243 and the last node head 3 that has been deleted take care.

ठीक है टिल केयथ पोजिशन वील ट्रेवर्स यूजिंग सम पॉइंटर और टेम्प ठीक है नाउ ये जो नोड है ये हमें डिलीट करना है तो इसका जो प्रीवियस वाला नोट है और जो इसका नेक्स्ट वाला नोड है उनकी लिंक्स को हमें चेंज करना पड़ेगा जो इसका प्रीवियस वाला नोड है जो इसका प्रीवियस वाला नोड है इसके नेक्स्ट की लिंक मुझे चेंज करनी पड़ेगी मतलब कि ये वाली लिंक इसके नेक्स्ट में मुझे पॉइंट करवाना पड़ेगा मेरा टेम्प का नेक्स्ट राइट right. और जो मेरा टेम्प का नेक्स्ट है नोड है उसका जो प्रीवियस है उसका प्रीवियस वो मुझे पॉइंट करवाना पड़ेगा टू टेम्प का प्रीवियस समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या किया जो टेम्प का पहले वाला नोड है ठीक है जो कि मैं एक्सेस कर पाऊंगी टेम्प का प्रीवियस दिस इज टेम्प का प्रीवियस इसके next में मैं डाल दूंगी इसके नेक्स्ट में डाल दूंगी जो भी मेरा temp का next node temp का next node. Temp का next node है 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 ठीक जो जो कि के बाद वाला node है, उसके प्रीवियस में क्या आ जाना चाहिए उसके प्रीवियस में आ जाना चाहिए दिस नोड जो कि टेम्प का प्रीवियस है एंड अब जो है मैंने टेम्प के आगे पीछे दोनों नोट के लिंक चेंज कर दिए अब मैं टेम्प को रिमूव कर, कर सकती हूँ फ्री अफ टेम्प अब यहाँ पे क्योंकि हमें के पोजिशन तक ट्रेवर्स करना होगा तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी दैट विल बिकम ओ ऑफ के एंड वर्स केस कॉम्प्लेक्सिटी दिस विल बी ओ ऑ ऑ ऑ ऑ ऑफ एन जहाँ पे के जो है बिकम्स इक्वल टू दैल्यू ऑफ एन सो विल राइट अ फंक्शन डिलीट एट पोजिशन जहाँ पे हम समल्यू जो है वो पास करें सबसे so, पहले हमें क्या करना है एक तो चेक कर लेते हैं ठीक है कि हमारी लिंक जो है वो एम नहीं होनी चाहिए चाहिए या फिर हम क्वेश्चन में कर लेते हैं कि लेस और इक्वल टू लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ लिंक लिंकलिस्ट अगर तुम्हें ये एजम्पन नहीं दे रखा है क्वेश्चन में तो यू विल हैव टू ऐड द चेक्स जहाँ पे हम ऊपर पहले चेक कर रहे हो कि हमारी लिंकलिस एम ना हो एंड के की पोजिशन जो है के की वैल्यू जो है वो लेंथ ऑफ द लिंकलिस से कम हो ठीक है नाउ आफ्टर दिस एजम्पन वी हैव टू ट्रावर्स टिल द केथ पोजिशन तो हम एक नोट स्टार टेम्प पॉइंटर बना दे जो कि हेड से स्टार्ट हो रहा होगा एंड एक काउंटर बना लेते हैं इन उंटर इज इक्वल टू वन वाइल काउंटर इज लेस देन के ठीक है यहां पर हम केक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट को हम आगे बढ़ा देंगे एंड काउंटर को प्लस प्लस कर देंगे नाउ टेम्प इज पॉइंटिंग टू नो डेट के राइट अब हमें क्या करना है सबसे पहले जो टेम्प का प्रीवियस वाला नोड है उसके नेक्स्ट को चेंज करते हैं तो टेम्प का जो प्रीवियस वाला नोड है उसका नेक्स्ट शुड बी पॉइंटिंग टू टेम्प का जो नेक्स्ट है एंड टेम्प का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसका प्रीवियस शुड बी पॉइंटिंग टू टेम्प का प्रीवियस अगेन ये यहाँ पे कोड में देख के शायद समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन डायग्राम में एक बार ड्रॉ करके देख लोगे लिंक्स को तो समझ में आ जाएगा कि ये हमने यहाँ पे क्यों लिखा है ठीक है एंड देन फाइनली वी कैन फ्री टेन तो लेट्स रन दिस हमने ऊपर इंसर्ट किया था ऐसे ही हम डिलीट कर देंगे हमने इंसर्ट किया था एट पोजिशन थ्री राइट right. तो अब हम डिलीट कर देंगे फ्रॉम पोजिशन थ्री एंड विल डिस्प्ले आर डब्ली लिस्ट कूल तो यहाँ पे फोर जो है हमने इंसर्ट किया था एट पोजिशन थ्री एंड फोर को हमने रिमूव कर दिया जो कि थर्ड पोजिशन पे प्रेजेंट था तो अगेन वी हैव दिस डब्ली लिस्ट विथ थ्री एलिमेंट्स ठीक है सो दिस इज हाउ वी कैन डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम सम आर्बिट्री पोजिशन के तो अब डबली लिंकलेस में इंसर्शन कैसे करते हैं डिलीशन कैसे करते हैं ये हमें समझ में आ गया है भी समझ में आ गया है अब लेट्स मूव ऑन टू सम ऑफ समी क्वेश्चंस ऑन डबली डब्बल्यू लिस्ट एंड ये कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो कुछ ऐसे होंगे जो कि हम सिंगली लिस्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं ठीक है तो हमारा वो वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा एंड हम ये भी देख लेंगे कि डबली डब्ल्यू लिस्ट में जो बाय डायरेक्शनल हमारे हमें लिंक मिल रही है उससे हमारे जो क्वेश्चन हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन उनका सोल्यूशन ईजी कैसे बन रहा है है ना तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज वी हैव टू रिवर्स अ डबली डब्ल्यू लिस्ट ठीक तो रिवर्स हमने काफी डेप्थ में किया था काफी ज्यादा टाइम लगा के किया था जब सिंगली लिस्ट में पढ़ रहे थे कि सिंगली सिंगली लिस्ट को रिवर्स कैसे कर सकते हैं उसके हमने दो तरीके देखे थे एक हमने आइट्रेटिव अप्रोच देखा था एंड एक हमने रिकर्सिव अप्रोच भी देखा था राइट अब यहाँ पे कि आइट्रेटिव अप्रोच में हमें कैसे फायदा हो रहा होगा इन इंस्टेड ऑफ लेट मी जस्ट पुट हियर ठीक है राइट so, एंड right, यहां पर हमें दो पॉइंटर्स दे रखे होंगे इसके लिए हेड दे रखा होगा और एक टेल दे रखा होगा हमें पता है कि रिवर्स करने के बाद जो है हेड जो है वो टेल पे आ जाएगा और टेल जो है वो हेड पे आ जाएगा है ना बट ये जो एलिमेंट्स है इनको रिवर्स करने के लिए तो ना सबसे पहले यहाँ पे हम ये समझ रहे थे कि कौन सा नेक्स्ट वाला लिंक है और कौन सा प्रीवियस वाला लिंक है राइट right? जैसे यहाँ पे वन के नेक्स्ट में है टू एंड टू के प्रीवियस में है वन ठीक है सिमिलरली टू के नेक्स्ट में है थ्री एंड थ्री के प्रीवियस में है टू थ्री के नेक्स्ट में है फोर एंड फोर के प्रीवियस में है थ्री फोर के नेक्स्ट में क्या होगा फोर के नेक्स्ट में होगा नल और के प्रीवियस में होगा नल ठीक है सो दिस इज़ इज़ एंड हमें रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा अगर हम पहले सिर्फ दो एलिमेंट्स को लेते हैं ठीक है वन एंड टू अगर इन्हें मुझे रिवर्स करवाना है तो मतलब कि टू के नेक्स्ट में आना चाहिए वन तो ये वाली लिंक मुझे ब्रेक करनी पड़ेगी ताकि टू के नेक्स्ट में आए वन एंड वन के प्रीवियस में आए टू मतलब कि ये वाली लिंक मुझे ब्रेक करनी पड़ेगी ताकि के प्रीवियस में आए ठीक है ये दो लिंक्स हैं जो कि मुझे चेंज करनी पड़ेगी जिससे इन दोनों नोट्स का जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा तो हम क्या करते हैं सबसे पहले एक तो पॉइंटर ले लेते हैं जैसे कि हम सिंगली लिंक लिस्ट में लेते थे वहां पे हमें करंट पॉइंटर लेते थे हम वहाँ पे एक्चुअली तीन पॉइंटर्स लेते थे करंट पॉइंटर प्रीवियस पॉइंटर एंड नेक्स्ट पॉइंटर अब यहाँ पे हमें प्रीवियस पॉइंटर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्यों क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हम प्रीवियस जो नोड है उसको एक्सेस कर पा रहे होंगे हम बाय द प्रीवियस पॉइंटर विच एवरी नोड हैज इन अ डबली लिंक लिस्ट ठीक है तो सबसे पहले हम एक पॉइंटर ले लेते हैं करंट ठीक है करंट पॉइंटर हमने ले लिया अब अब अगर सिर्फ इस एलिमेंट को देखें तो इस एलिमेंट की जो लिंक है वो कैसे चेंज करनी होगी हमें इसका जो नेक्स्ट है, है वो इसका प्रीवियस बन जाएगा और इसका जो प्रीवियस है वो उसका नेक्स्ट बन जाएगा ठीक है ये क्लियर है बात कि इसका जो नेक्स्ट है ये इसका प्रीवियस बन जाएगा और इसका जो प्रीवियस है वो उसका नेक्स्ट बन जाएगा तो हम इसके नेक्स्ट वाली लिंक को चेंज करने से पहले जो उसका नेक्स्ट वाला नोड है इसको पहले जो है हम एक पॉइंटर से पॉइंट करवा लेते हैं कि सपोज दिस इज माय नेक्स्ट पॉइंटर ठीक है ताकि आई डोंट लूज एक्सेस टू दिस नोड ठीक है अब मैं इसका जो नेक्स्ट वाला लिंक है वो चेंज कर सकती हूँ मैं बोलूँगी कि इसका करंट का जो नेक्स्ट है दैट शुड बी इक्वल टू करंट का प्रीवियस करंट का प्रीवियस क्या है Null. तो हमने ये वाली लिंक चेंज कर दी एंड अब करंट के नेक्स्ट में आ गया क्या नल ठीक है जो कि करंट के प्रीवियस में था एंड करंट के प्रीवियस में क्या आना चाहिए करंट के प्रीवियस में आना चाहिए ये जो करंट का नेक्स्ट था जो कि हमने पहले ही नेक्स्ट पॉइंटर से पॉइंट करवा लिया था ताकि हम उसका एक्सेस ना लूज करें तो करंट का जो प्रीवियस है This link, हाँ, तो करंट का जो प्रीवियस होगा लिंक हो हमने रिवर्स कर दी अब मेरे को अपने करंट पॉइंटर को आगे बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगी करंट पॉइंटर को इक्वल कर दूंगी नेक्स्ट पॉइंटर के ठीक है तो ये दोनों पॉइंटर जो है ये आगे मूव होंगे करंट पॉइंटर को मैं अब यहां ले आई और नेक्स्ट पॉइंटर होगा इसके बाद वाला एलिमेंट अब सेम चीज मुझे करना है इसके नेक्स्ट में डालना है करंट के नेक्स्ट में डालना है करंट का प्रीवियस ठीक है तो ये वाली लिंक मुझे चेंज करनी पड़ेगी इसके नेक्स्ट में डालना है मुझे इसका प्रीवियस जो कि है वन ठीक है तो ये यह यहां पे दिस विल बिकम नेक्स्ट करंट के नेक्स्ट में डाल दिया हमने करंट का प्रीवियस एंड करंट के प्रीवियस में क्या जाएगा करंट के प्रीवियस में जाएगा जो कि पहले करंट का नेक्स्ट था जो कि नेक्स्ट पॉइंटर से पॉइंट हो रहा है अब दोबारा दोनों जो पॉइंटर्स हैं हम आगे मूव करेंगे यहां पे आ जाएगा हमारा करंट पॉइंटर जहां पे पहले नेक्स्ट पॉइंटर था और नेक्स्ट पॉइंटर आ जाएगा करंट के नेक्स्ट में अब दोबारा करंट का नेक्स्ट हम चेंज कर देंगे करंट के नेक्स्ट में डाल देंगे करंट का प्रीवियस करंट का प्रीवियस क्या है टू ठीक है तो ये करंट के नेक्स्ट में डाल दिया हमने टू एंड करंट के प्रीवियस में डाल देंगे करंट के प्रीवियस में डाल देंगे जो कि नेक्स्ट पॉइंटर से हमने पॉइंट करवाया था नोड वंस अगेन हमारे दोनों पॉइंटर्स आगे मूव करेंगे तो करंट पॉइंटर आ गया इधर और नेक्स्ट पॉइंटर आ गया नल पे सेम चीज विल रिपीट योर करंट के नेक्स्ट में डाल देंगे करंट का प्रीवियस तो करंट का नेक्स्ट विल पॉइंट टू करंट का प्रीवियस जो कि थ्री था एंड करंट के प्रीवियस में डाल देंगे जो कि नेक्स्ट पॉइंटर अब अगर हम दोनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे करंट जो है अब नल पे आ गया जैसे ही हमारा करंट नल पे आता था, था तो हमें पता चल चलता था कि पूरी जो हमारी लिस्ट है वो रिवर्स हो चुकी है तो वी कैन स्टॉप रिवर्सिंग नाउ ठीक है तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं फोर के प्रीवियस में है नल फोर के नेक्स्ट में है थ्री थ्री के नेक्स्ट में है टू टू के नेक्स्ट में है वन और वन के नेक्स्ट में है नल वन के प्रीवियस में है टू टू के प्रीवियस में थ्री और थ्री के प्रीवियस में है फोर राइट तुम्हारी लिंकेज जो है वो रिवर्स हो चुकी है अब हमें बस रिवर्स करने है हमारे हेड और टेल पॉइंटर्स ठीक है तो इन दोनों को हम स्वॉप कर देंगे जहाँ पे मेरा हेड था वहाँ पे मेरा टेल चला जाएगा और जहाँ पे मेरा टेल था वहाँ पे मेरा हेड पॉइंटर चला जाएगा एंड हेड से मुझे मिल जाएगी मेरी न्यू डब्ली लिंक लिस्ट ठीक है जो कि रिवर्स होगी तो अब इसको कोड में देखते हैं सीधा सो वील क्रिएट अ फंक्शन वर्ल्ड रिवर्स डबली लिंक जहाँ पे हम अपनी लिंक लिस्ट का हेड ले लेंगे एंड अपनी लिंक लिस्ट का टेल ले लेंगे नाउ एक चीज मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट आप लोगों को बता दूँ बच्चों कि हमने जो इम्प्लीमेंटेशन करी है अभी तक की डबल डबली लिंक लिस्ट की वहां पे हमने दोनों लिए हैं हेड और टेल हो सकता है आपके कॉलेज में या फिर किसी क्वेश्चन में आप देखें कि वहाँ पे सिर्फ हेड ही ले रहे हैं ठीक है तो वहां पे आपके पास सिर्फ हेड ही पास हो रहा होगा एंड उससे आपके जो सोल्यूशन है या जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें तो ज्यादा फर्क नहीं आ रहा होगा बल्कि हो सकता है कि वो एक वजह से ईजी भी हो जाए क्योंकि अब आपको सिर्फ एक ही पॉइंटर को देखना होगा हेड पॉइंटर को आपको टेल पॉइंटर को देखना ही नहीं होगा एंड लास्ट नोट निकालने के लिए हमें क्या करना है हमें बस एक पॉइंटर बनाना है जो कि हेड से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करें एंड एंड ऑफ द दिंकलेस तक ट्रैवर्स करें एंड हमें कैसे पता चलेगा जब भी उस नोड का नेक्स्ट नल हो तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा लास्ट लास्ट नोड 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 है राइट तो टेल नोड निकालना नोड निकालना वो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ठीक है तो अगर आपके कॉलेज में कहीं आपको देखे कि वहाँ पे तो भाई डबली लिंक में सिर्फ एक ही नोड लिया है सिर्फ हेड नोड लिया है टेल नोड नहीं लिया ये तो हमें आता ही नहीं है तो मैम ने करवाया ही नहीं है तो वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है क्योंकि उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा बट इनकेस आपको हेड और टेल दोनों के साथ इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाए डब्ली लिंकलिस्ट के तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें हम कैसे इन दोनों पॉइंटर्स को कंसिडर कर सकते हैं और उनका ध्यान रख सकते हैं वाइल आर इम्प्लीमेंटेशन ठीक है तो अब यहाँ पे मेरे को डब्ल्यू लिंकलिस्ट अपनी पास करनी थी तो मैंने उसका हेड भी पास किया और उसका टेल भी और यहाँ पे आई विल पास बोथ बाय रेफरेंस बिकॉज आई विल बी मेकिंग चेंज टू द राइट। नाउ right. सबसे पहले हम क्या करेंगे हम हम एक करंट पॉइंटर बना लेते हैं जो कि हमारी लिंक को ट्रावर्स करेगा एंड ये कहा से स्टार्ट हो रहा होगा हेड पॉइंटर से नाउ वी क्रिएट अ वाइल लूप कि जब तक हमारा करंट पॉइंटर नल तक नहीं पहुंच जाता वाइल दिस इज नॉट नल तब तक हम हर एक नोड की जो लिंक्स हैं वो रिवर्स करेंगे बट इसका नेक्स्ट वाला जो लिंक है उसको चेंज करने से पहले हम इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट जो नोड है सॉरी उसको पॉइंट करवा लेंगे बाय नेक्स्ट पॉइंटर ठीक है तो दिस विल बी इक्वल टू करंट पॉइंटर के नेक्स्ट में जो भी नोड होगा अब मेरे को लिंक्स जो है रिवर्स करनी है मैं क्या करूंगी करंट पॉइंटर करंट पॉइंटर के नेक्स्ट में आ जाएगा मेरा करंट पॉइंटर का प्रीवियस एंड करंट पॉइंटर के प्रीवियस में चला जाएगा करंट पॉइंटर का नेक्स्ट जो कि पहले था जो कि अभी पॉइंट कर रहा है बाय नेक्स्ट पॉइंटर ठीक है एंड अब मुझे क्या करना है जस्ट हैव टू मूव माय करंट पॉइंटर फॉरवर्ड करंट पॉइंटर इज इक्वल टू जहां पे मेरा नेक्स्ट पॉइंटर था ठीक है तो ये लूप जो है रन होता रहेगा जब तक कि पॉइंटर नल पे नहीं हो जाती मतलब मेरी पूरी ट्रैवर्स नहीं हो जाती एंड इसके बाद हमें क्या करना है अपनी हेड और टेल को सॉफ करना है पॉइंटर्स को तो हम बोल देते हैं कि नोट स्टार न्यू हेड विल बी इक्वल टू टेल एंड टेल Will be equal to, जहां पर हमारा हेड था और हेड चला जाएगा जहां पे न्यू हेड ठीक है तो मैंने यहां पर कुछ नहीं किया यहाँ पे बस स्वप कर दिया है अपने हेड और टेल को स्विंग हेड एंड टेल पॉइंटर्स दिस इज आर कोड फॉर रिवर्सिंग डब्लू लिंकलेस सो यहाँ पे मैंने एक डब्ली लिंकलेस जो है वो क्रिएट कर ली है

ठीक है सो दिस इज़ वाज आर ओरिजिनल डबली लिंक लिस्ट एंड दिस इज आफ्टर रिवर्सिंग आर लिंक लिस्ट कूल लेट्स मूव नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये हमने देख रखा है पहले गिवन द हेड ऑफ अ डबली लिंक लिस्ट वी हैव टू फाइंड इफ इट्स अ पैलिंड्रोम और नॉट तो यहाँ पे पैलिंड्रोम क्या होती है ये हमने देखा था कि सपोज हमारी लिंक लिस्ट जो है वो कुछ ऐसी दिखती है तो यहाँ पे मैं इसको ये पैलिंड्रोम बोलूँगी क्योंकि जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है वो सेम है फिर सेकंड और सेकंड लास्ट एलिमेंट सेम है और फिर आई हैव टू की जब तक कि मैं मिडल एलिमेंट तक नहीं आ जाती राइट right? तो दिस वुड बी कॉल्ड अ पैलेंड्रोम डबल डबली लिंकलिस्ट लेकिन अगर मेरी लिस्ट कुछ ऐसी है तो दिस वोट बी कॉल्ड अ अड्रोम लिंकलिस्ट वाई बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट सेम है सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट एलिमेंट सेम है लेकिन थर्ड और थर्ड लास्ट एलिमेंट सेम नहीं है ठीक है तो जब तक हम मिडल में कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक वी कीप चेकिंग कि एलिमेंट्स जो है वो सेम है या नहीं इफ फर्स्ट हाफ में एंड सेकेंड हाफ में ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हुए हमें सेम एलिमेंट दिख रहे हैं तो मतलब कि वो लिस्ट जो है वो पैलेंड्रोम कहलाएगी राइट हमने ये क्वेश्चन जो है सिंगली लिस्ट के लिए भी किया था अगर आपको याद हो वहां पे क्या होता था कि एलिमेंट से एंड लास्ट एलिमेंट से ठीक है लेकिन सिंगली लिस्ट में हमारे पास सिर्फ ये एक ही लिंक होता था मूविंग फॉरवर्ड तो वी डिड नॉट द ऑप्शन कि हम वन से पीछे पे 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 आ पाए हैं, है ना? हमें singly list में सिर्फ हम next पे ही जा सकते हैं। previous पे नहीं आ इसलिए हमें क्या करना पड़ा था हमें पहले अपनी list को बीच में से ब्रेक करना पड़ रहा था फिर जो सेकेंड हाफ ऑफ लिंक लिस्ट थी उसको हमें रिवर्स करना पड़ रहा था एंड देन हम चेक कर रहे थे कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ द लिंक लिस्ट और जो सेकेंड हाफ ऑफ लिंक लिस्ट है वो इक्वल है या नहीं राइट तो सिंगली लिंक लिस्ट में हमें काफी ज्यादा काम करना पड़ा था बट क्या यहाँ पे हमें इतना काम करना पड़ेगा ये आप सोचिए क्योंकि यहाँ पे हम एक्चुअली प्रीवियस डायरेक्शन में या फिर उल्टी डायरेक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में भी चल सकते हैं तो हमें सेकेंड हाफ ऑफ द लिंक लिस्ट को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है हम अगर हमारे पास हेड नोड है और हमारे पास टेल नोड है तो हम दोनों डायरेक्शन से मूव कर सकते हैं एंड वी कैन कीप चेकिंग कि एलिमेंट की जो वैल्यू है या फिर नोड की जो वैल्यूज हैं वो इक्वल है या नहीं ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने देखा हेड और टेल की वैल्यू सेम है ठीक है तो मैं अपने पॉइंटर्स को एक एक स्टेप से आगे बढ़ा दूंगी इसको ले जाऊंगी टू द नेक्स्ट नोड एंड जो पीछे से पॉइंटर ट्रैवर्स कर रहा है उसको ले जाऊंगी टू द प्रीवियस नोड अगेन आई विल चेक टू टू दोनों सेम है तो अगेन आई विल मूव द पॉइंटर्स दिस पॉइंटर पॉइंटर विल विल मूव मूव टू टू द द नेक्स्ट एंड दिस प्रीवियस अब यहाँ पे जैसे ही पॉइंटर्स जो है वो सेम जगह पे आ जाएंगे तो मतलब कि मिडल में आ जाएंगे तो आई विल नो कि पूरी लिंक लिस्ट जो है ट्रवर्स हो चुकी है और कहीं पे भी वैल्यूज डिफरेंट नहीं थी मतलब कि दिस लिंक लिस्ट इज अ पैलेंट रूम अब यहीं पे सपोज मेरे पास एक और एलिमेंट है यहाँ पे बीच में आई हैव थ्री फोर ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा पहले हमने वन वन चेक किया ठीक है इक्वल है फिर उसके बाद दिस पॉइंटर विल कम हियर दिस पॉइंटर विल कम हियर अगेन टू टू है चेक किया ठीक है यहाँ पे क्या हुआ थ्री और फोर हमें दिखा जो कि इक्वल नहीं है तो मतलब कि हमारी लिंक लिस्ट जो है वो पैलेंड्रो नहीं है

चेक करते थे कि वो इक्वल है या नहीं यहाँ पे हमें फर्स्ट तीन स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं है हम सीधा जो है चेक कर सकते हैं मूविंग शुरू से एंड मूविंग लास्ट से कि हमारी फर्स्ट हाफ ऑफ और सेकेंड हाफ ऑफ द लिंकलिस जो है वो इक्वल है या नहीं राइट सो लेट सी दिस इन कोड नाउ हम एक बुलियन फंक्शन यहाँ पे बता बना रहे होंगे क्योंकि हमें चेक करना है कि वो पैलेंड्रोम होगी या नहीं तो बूल इज पैलेंड्रो डबल लिंक लिस्ट जहाँ पे हमें अपनी लिंक लिस्ट का हेड पास हो रहा होगा एंड का टेल पॉइंटर पास हो रहा होगा ठीक है अब यहाँ पे हम हम दो नए पॉइंटर्स भी बना सकते हैं हेड और टेल से या फिर हम हेड और टेल पॉइंटर्स को ही यूज कर सकते हैं क्योंकि हम एक्चुअली हेड और टेल पॉइंटर्स में चेंजेस नहीं कर रहे होंगे राइट सो तो, लेट्स जस्ट टेक दीज पॉइंटर्स एंड सी we'll जब तक हमारा हेड पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू टेल पॉइंट और एंड हमें भी चेक करना पड़ेगा इवन नोट्स के लिए जब और नोट्स होंगी तो हम दोनों साइड से जब चेक कर रहे हैं तो एक बारी जो मिडल नोट होगा वहाँ पे जाके हेड और टेल जो है सेम नोड पे आ जाएंगे तो वो तो कंडीशन यहाँ से चेक हो जाएगी लेकिन जब इवन नोड्स होंगे तो वहाँ पे मेरे हेड और टेल जो है वो सेम नोड पे नहीं आएंगे तो वहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि टेल इज नॉट इक्वल टू हेड का प्रीवियस मतलब कि टेल पॉइंटर जो है वो हेड से पीछे आ गई राइट right? मतलब कि उन दोनों ने पॉइंटर्स ने हेड और टेल ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया हेड पॉइंटर पॉइंटर टेल पॉइंटर के आगे आ गया राइट right? तो जब तक ये नहीं होता तब तक हम अपना लूप लगाएंगे हम चेक करेंगे कि इफ हेड नोड की जो वैल्यू है दैट इज नॉट इक्वल टू जो टेल नोड की वैल्यू है अगर वो नॉट इक्वल है तो मतलब कि पैलेंड्रोम ये हो ही नहीं सकता तो हम वहीं से रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं एंड अगर ऐसा नहीं है तो हम दोनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ा देंगे हेड को बढ़ाएंगे टू द नेक्स्ट नोड एंड टेल को बढ़ाएंगे टू द प्रीवियस नोड जैसे ही हेड टेल के इक्वल होता है इन केस ऑफ ऑड नोड्स या फिर हेड टेल को क्रॉस कर जाता है इन केस ऑफ इवन नोड्स तो ये लूप जो है फिनिश हो जाएगा एंड अगर ये लूप पूरा फिनिश हो जाता है विदाउट रिटर्निंग फॉल्स एनी तो वी कैन सेफली रिटर्न ट्रू ठीक है तो यहाँ पे हमने एक डब्ली लिंकलिस ली है विद वैल्यूज़ वन टू थ्री थ्री टू वन विच इज पैलन रो तो यहाँ पे लेट्स व्हाट इज वर फंक्शन इज पैलड्रोम रिटर्निंग यहां पर हम डी एल एल हेड पास कर रहे होंगे एंड टेल तो इसके इसमें वन प्रिंट हो रहा है मतलब कि ट्रू हमारा पैलड्रोम फंक्शन जो है वो ट्रू रिटर्न कर रहा है इनकेस हम यहाँ पे वैल्यू जो है चेंज कर दें टू फोर तो इस केस में ये पैलेंड्रोम नहीं होगी तो हमें जीरो प्रिंट हो रहा है राइट एंड लेट्स ऑल्सो चेक आर सोल्यूशन फॉर ऑरड नंबर ऑफ नोट्स मैंने आपको बोला था कि हमेशा जो है इन केसेस में अपना सोल्यूशन दोनों नोट्स uh, के लिए चेक करना और नंबर ऑफ ओट्स नोट्स सॉरी एंड ईवन नंबर ऑफ नोट्स ठीक है बिकॉज दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड दैट वन ऑफ दिस्टेक्स दट मोस्ट स्टूडेंट्स डू वाइल यूजिंग लिंकलेस एंड लिंकलेस इतना ईजी टॉपिक है कि आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी गलती करनी चाहिए अगर आपको लिंकलेस का क्वेश्चन आ जाए तो इसलिए आई कीप टेलिंग यू दीज थिंग्स सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ दैम वाइल इंप्लीमेंटिंग ठीक है लेट्स मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हेड ऑफ अ डब्ल्यू लिंकलिस्ट वी हैव टू डिलीट द नोट हूज नेबर्स हैव द सेम वैल्यूल ट्रेवर्सिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ओके तो एक एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये एक नया क्वेश्चन है जो कि हमने सिंगली लिंकलिस्ट लिंक में नहीं किया है राइट तो दिस इज इंटरेस्टिंग लेट सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस सपोज मेरी लिंक लिस्ट में आई हैव दीज फाइव एलिमेंट्स राइट तो हमें क्या करना है एक तो हमें बोला गया है कि वी हैव टू ट्रावर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मतलब कि इस डायरेक्शन में हमें अपनी लिंक लिस्ट को ट्रावर्स करना है एंड वी हैव टू डिलीट हुज नेबर्स हैव द सेम वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे नेबर्स का मतलब है नेबर्स का मतलब है नेक्स्ट एंड प्रीवियस एंड प्रीवियस नोट अगर दे हैव द सेम वैल्यू तो हमें उसको डिलीट करना पड़ेगा तो लेट्स सी हम वन से तो चेक नहीं करेंगे स्टार्ट क्योंकि वन का तो सिर्फ एक ही है इट ओनली हैज प्रीवियस राइट यहाँ पे नेक्स्ट जो है कुछ नहीं है नेक्स्ट इज नल तो हम वन से चेक करना नहीं स्टार्ट करेंगे हम चेक करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम माय सेकंड लास्ट नोड ठीक है तो यहाँ पे लेट मी टेक अ पॉइंटर करंट पॉइंटर जो कि मेरा सेकंड लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा एंड आई स्टार्ट चेकिंग फ्रॉम देयर इन द रिवर्स डायरेक्शन सो यहाँ पे अगर मैं देखू

करंट का प्रीवियस है उसके नेक्स्ट में आना चाहिए उसके नेक्स्ट में आना चाहिए जो कि करंट का नेक्स्ट था ठीक है तो ये वाली लिंक हम चेंज कर देंगे विल रिमूव दिस लिंक एंड करंट का जो नेक्स्ट है दैट शुड पॉइंट टू जो करंट का प्रीवियस था सॉरी करंट का जो नेक्स्ट है उसका प्रीवियस शुड पॉइंट टू जो करंट का प्रीवियस था राइट right? तो दिस इसका प्रीवियस शुड पॉइंट टू जो करंट का प्रीवियस था समझ में आया हमें ये वाला नोट डिलीट करना है यू हैव टू डिलीट दिस नोड तो हम इसके नेक्स्ट में डाल देंगे जो कि करंट का नेक्स्ट था और इसके प्रीवियस में डाल देंगे जो कि करंट का प्रीवियस था अब ये क्या है ये है करंट का प्रीवियस तो करंट के प्रीवियस करंट के प्रीवियस के नेक्स्ट में जाएगा करंट का नेक्स्ट एंड करंट के नेक्स्ट के प्रीवियस में जाएगा करंट का प्रीवियस ठीक है ये थोड़ा सा सुनने में शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट अगर आप इसको ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पे लिंक्स जो है वो चेंज हो रही है एंड इसको मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए करंट के प्रीवियस के नेक्स्ट में डाल देंगे हम जो भी करंट का नेक्स्ट होगा और करंट के नेक्स्ट के प्रीवियस में डाल देंगे जो भी करंट का प्रीवियस होगा और ये हमने देखा भी था जब हम नोड डिलीट कर रहे थे इन अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट फ्रॉम एनी आर्बिट्री पोजिशन के ठीक है तो हमने ये देखा भी था कि कैसे बीच में से डिलीट करते हुए हमें चेंजेस करने पड़ते हैं लिंक्स में तो वही हम यहां पे कर रहे होंगे एंड वंस यू डन दिस उसके बाद वी कैन सेफली गेट रेड ऑफ दिस पॉइंटर से दिस नोट सॉरी ठीक है सो so, यहां पे अगर इसको मैं ठीक से ड्रॉ कर दूँ तो अब इसके नेक्स्ट में है ये और इसके प्रीवियस में है ये ठीक है तो बीच वाला नोड हमने डिलीट कर दिया एंड अब करंट पॉइंटर को मैं कहा मूव करूंगी करंट पॉइंटर अब आ जाएगा जहां पे भी मेरा प्रीवियस पॉइंटर था करंट पॉइंटर विल कम हेयर नाउ अगेन आई विल चेक ये वाला जो नोड है मेरा वन क्या इसके नेबर्स की वैल्यू इक्वल है यस yes. तो मैं अगेन वही करूंगी इसके पहले वाले नोड को पॉइंट करा दूंगी बाय अ प्रीवियस पॉइंटर और इसके नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करा दूंगी बाय नेक्स्ट पॉइंटर एंड देन आई कैन गेट रिड ऑफ दिस नोड ठीक है सो आई विल गेट रिड ऑफ दिस नोड इन बिटवीन जैसे कि अभी हमने बताया एंड ये हमारी लिंक लिस्ट बन जाएगी अब दोबारा करंट पॉइंटर आएगा जहां पे मेरा प्रीवियस पॉइंटर था करंट पॉइंटर इज हियर आई चेक अगेन क्या अब इसके नेबर्स की वैल्यू इक्वल है नहीं राइट एंड सर्वसिंग की क्या हमें इस नोड के लिए चेक करने की जरूरत है कि क्या इसके नेबर्स की वैल्यूज इक्वल है नहीं क्योंकि इस नोड के और सिर्फ एक ही नेबर है सिर्फ इसी साइड पे जो दूसरा नेबर होगा वो तो नल होगा तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है तो यहाँ पे जैसे ही हमारा करंट पॉइंटर हेड पे पहुंचेगा यहाँ पे हमारा हेड पॉइंटर होगा राइट right? तो जैसे ही हमारा करंट पॉइंटर हेड पे पहुंचेगा तो हम वी कैन स्टॉप ट्रावर्सिंग क्योंकि उसके बाद हमें चेक करने की जरूरत नहीं है ना आप जो हमारी डब्ल्यू लिंक फ्लेस बची वही हमारा आउटपुट होगा ठीक है तो दिस इज इजी ओनली हम लास्ट से ट्रावर्स कर रहे हैं अपने लिंक को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड हर नोट के लिए हम चेक कर रहे हैं कि हमें उनके उनके जो प्रीवियस की वैल्यू है प्रीवियस नोट की जो वैल्यू है एंड जो नेक्स्ट नोट की वैल्यू है वो इक्वल है यानी अगर वो इक्वल है तो उसको हम वहां से उस नोट को डिलीट कर रहे हैं राइट right? एंड ये चीज ध्यान रखना कि जो फर्स्ट और लास्ट नोड है उसके लिए हम ये चीज चेक नहीं कर रहे होंगे कि फर्स्ट और लास्ट नोट विल ओनली हैव वन नेबर ठीक है उनका जो दूसरा नेबर होगा दैट वुड बी नल सो फर्स्ट और लास्ट नोड को हम स्किप कर देंगे वेल इंप्लीमेंटिंग सो फंक्शन डिलीट सेम ने जहाँ पे हम हमें कुछ रिटर्न तो करना ही नहीं है हमें बस अपनी में ही चेंजेस करने हैं तो हम अपने लिंक लिस्ट का जो हेड एंड टेल है वो ले लेंगे बाय रेफरेंस एंड हमें यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंटर बना लेते हैं जो कि पूरी हमारी लिस्ट को ट्रावर्स करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ठीक है ये ध्यान रखना हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि हमें राइट टू लेफ्ट ट्रावर्स करना है क्योंकि लेफ्ट टू राइट हम ट्रैवर्स करते हैं तो शायद डिफरेंट सोल्यूशन डिफरेंट आउटपुट आएगा डिफरेंट सोल्यूशन है सोल्यूशन सेम रहेगा बट आउटपुट जो है हमारा डिफरेंट आएगा <coughs> सॉल्यूशन में बस इतना डिफरेंस होगा कि यहाँ पे हम करंट पॉइंटर को स्टार्ट कर रहे होंगे फ्रॉम टेल का प्रीवियस ठीक है जो कि हमारा सेकंड लास्ट नोड है एंड सेकंड लास्ट नोड एंड अगर हमें लेफ्ट टू राइट ड्रावर्ट करना होता तो वहाँ पे हम सेकंड नोड लेते हैं विच शुड बी हेड का नेक्स्ट ठीक है एंड वो ज़्यादा जब तक हम टेल तक ना पहुँच जाते यहाँ पे हम चेक करेंगे जब तक हमारा करंट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू आर हेड पॉइंटर तब तक लेट्स दो पॉइंटर्स बना लेते हैं ठीक है uh, या फिर लेट्स से करंट नोड ओनली हिस्स करंट नोड सो प्रीवियस नोड पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टू करंट नोड का प्रीवियस एंड क्स्ट नोड पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टू माई करंट नोड का नेक्स्ट नाउ आई कैन चेक की क्या मेरे प्रीवियस नोड सॉरी क्या मेरे प्रीवियस नोड की वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे वाइल नहीं आएगा यहाँ पे इफ आएगा ठीक है कंडीशनली थ्रू कंडीशनल स्टेटमेंट विल चेक क्या हमारे प्रीवियस नोड की वैल्यू इज इक्वल टू द नेक्स्ट नोड की वैल्यू इफ दिस इज ट्रू मतलब कि जो मेरा करंट नोड है वो मुझे डिलीट करना पड़ेगा कि आई नीड टू डिलीट द करंट नोड क्योंकि उसके नेबर्स की जो वैल्यूज हैं वो सेम आ गए प्रीवियस नोड की वैल्यू एंड नेक्स्ट नोड की वैल्यू जो है वो सेम हो गई तो मुझे करंट नोड को डिलीट करना होगा उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में डालना पड़ेगा मुझे नेक्स्ट नोड एंड नेक्स्ट नोड के नेक्स्ट नोड के प्रीवियस में डालना पड़ेगा मुझे प्रीवियस नोड and then I can free my current node, ठीक है एंड आफ्टर दिस मुझे जो अपना करंट नोड जो है वो आगे बढ़ाना है आगे कैसे बढ़ाऊंगी करंट नोड को इक्वल कर दूंगी प्रीवियस नोड के ठीक है क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट ट्रावर्स रहे ये ध्यान रखना इसलिए हम करंट नोड को प्रीवियस नोड पे रख रहे हैं अगर हम लेफ्ट टू राइट रहे होते तो यहाँ पे करंट नोड को नेक्स्ट नोड के इक्वल कर रहे होते हैं, तो हैं ठीक है तो हेयर इज द कोड फॉर डिलीटिंग नेबर्स विद सेम वैल्यूज डिलीटिंग नोट्स विद सेम नेबर वैल्यूज़, आई शुड से, एंड लेट्स कॉल दिस फंक्शन डिलीट सेम नेबर नोट्स, जहाँ पे हम अपनी लिंकलिस्ट का हेड पास कर देते हैं सॉरी एंड अपनी लिंकलिस्ट का टेल पास कर देते हैं एंड देन से डिस्प्ले आर लिंक ठीक है तो यहाँ पे मैंने वही लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल लिया जो कि अभी हमने देखा भी था सो दिस वॉज माई लिस्ट एंड दिस इज माई आउटपुट जहाँ पे ये टू जो है सबसे पहले डिलीट हो जाएगा फिर ये वन डिलीट हो जाएगा क्योंकि इसका एक साइड नेबर होगा वन और एक साइड नेबर होगा वन ठीक है तो क्या बचेगा लास्ट में ये वाला टू बचेगा ये वाला वन बचेगा और एक और वन बचेगा ठीक है एक और इनपुट पे देखते हैं टू वन टू वन तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला टू है ठीक है जिसके दोनों नेबर्स की वैल्यू सेम है जब हम पीछे से देखना स्टार्ट करेंगे तो दिस टू विल गेट डिलीटेड एंड हमारी जो रिमेनिंग लिंक लिस्ट होगी वो होगी टू वन वन राइट लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि A critical point in a linked list is defined as either a local maxima or a local minima. Theke. Given a linked list tail, return an array of length 2 containing minimum distance and maximum distance, where minimum distance is the minimum distance between any two distinct. Critical points and maximum distance is the maximum distance between any two distinct critical points. If there are fewer than two critical points, then we just return minus 1, minus 1. नोट कैन ओनली बी लोकल मैक्सिमम और मिनिम इत हमारे फर्स्ट और लास्ट नोड है वो तो पिक्चर से आउट है ठीक है उनके या तो प्रीवियस नोट होगा या नेक्स्ट नोट होगा दोनों nodes नहीं होंगे तो दे आर आउट ऑफ दिक्चर बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सबसे पहले कि पे critical points किसको बोल रहे हैं तो सपोज मेरी लिंक लिस्ट जो है वो कुछ ऐसी है ठीक है अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्रिटिकल पॉइंट इज इधर अ लोकल मैक्सिमा और अ लोकल मिनिमा अब हाउ डू यू चेक इफ इट्स अ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा तब होगा जब उसके नेबर्स की जो वैल्यूज हैं जब किसी नोड की जो नेबर्स की वैल्यूज है उससे उससे वैल्यू ज्यादा हो तब इट वुड बी कॉल्ड अ लोकल मैक्सिमा एंड अगर उसकी वैल्यू उसके नेबर्स की वैल्यू से कम है तो लोकल ठीक है। तो मतलब अगर हम फाइव के लिए चेक करें तो फाइव जो है लोकल मैक्सिम सिमिलरली टू को अगर हम देखें तो टू यहाँ पे अपने दोनों नेबर से छोटा है फाइव और सिक्स से तो टू विल बी कॉल्ड अ लोकल मिनम फिर उसके बाद अगर हम सिक्स को चेक करें तो सिक्स जो है अपने दोनों नेबर से ज्यादा है तो सिक्स विल बी कॉल्ड अ लोकल मैक्सिम अगेन एंड थ्री को हम इग्नोर कर सकते क्योंकि उसके दोनों जो है नेबरस है ही नहीं तो बेसिकली ये तीनों नोट जो है हमारे ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ठीक है, तो ये तीनों आर क्रिटिकल है। अब लेट्स हमें नहीं दिख रहे होंगे अब यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या कोई भी आपको क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है, कहीं पे भी क्या आपको कोई ऐसा नोड मिल रहा है जो कि अपने नोड्स जि जिसकी वैल्यू अपने नेबर से या तो ज्यादा हो या कम हो दोनों नेबर से तो यहाँ पे सारे जो नोड्स हैं उनके या तो नेबर से एक नेबर से ज़्यादा है एक नेबर से कम है कोई भी ऐसा नहीं है नोट जिसके दोनों नेबर से वैल्यू ज्यादा हो या फिर वैल्यू कम हो तो यहाँ पे कोई भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं है मतलब कि यहाँ पे कोई भी क्रिटिकल पॉइंट इस लिंक लिस्ट में नहीं है यहीं पे अगर मैं इन वैल्यूज को रिवर्स कर दूँ यहाँ पे फाइव आ जाए और यहाँ पे फोर आ जाए अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फाइव वुड बी अ क्रिटिकल पॉइंट क्योंकि फाइव की वैल्यू उसके दोनों नेबर से ज्यादा है सो दिस इज अ लोकल मैक्सिमा सो दिस विल बी अ क्रिटिकल पॉइंट ठीक है तो सबसे पहले तो हमें ये करना होगा अपने क्वेश्चन में कि क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कौन से कौन से नोट्स क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इन आर लिस्ट ठीक है तो हमें ये समझ में आ गया अगर दोनों नेबर से वैल्यू ज्यादा है या फिर वैल्यू कम है तो फिर वो एक क्रिटिकल पॉइंट है ठीक है अब यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं इस एग्जाम्पल में सपोज हमने सबसे पहले अपने क्रिटिकल पॉइंट्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए कि फाइव एक क्रिटिकल पॉइंट है टू एक क्रिटिकल पॉइंट है सिक्स एक क्रिटिकल पॉइंट है वो मिनिमम वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता हम बस ये देख रहे हैं कि वो एक क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए ठीक है तो और हमने देखा था कि ये तीनों जो है या तो है, maximum, तो ये तीनों क्रिटिकल अब हमें में क्या करना है? Actually, क्या देना है? हमें जो है एक एरे रिटर्न करना है ऑफ लेंथ टू कंटेनिंग मिनिमम डिस्टेंस एंड मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पे मिनिमम एनी टू क्रिटिकल पॉइंट्स एंड मैक्सिमम डिस्टेंस विल बी मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रिटिकल पॉइंट्स तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा मिनिमम डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में या फिर इन दोनों के बीच में कुछ भी ले सकते हैं बिकॉज इट विल बी वन ठीक है तो मिनिमम डिस्टेंस विल बी वन एंड मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा मैक्सिमम डिस्टेंस विल बी टू इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में ठीक है नाउ हाउ वुड वी फाइंड दिस हाउ वुड वी फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस उसके लिए हमें अपने क्रिटिकल पॉइंट्स की पोजीशन जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी ठीक है सपोज हम इधर से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते हैं ठीक है एंड इसको हम ले लेते हैं कि दिस इज पोजीशन इज इक्वल टू जीरो हम सेकेंड लास्ट नोट से ट्रैवर्स करना चाहते हैं इन रिवर्स डायरेक्शन क्योंकि लास्ट रोड को तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि उसका सिर्फ एक ही नेबर है तो हम सपोज सेकेंड लास्ट नोड से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं उसको मैं पोजिशन जीरो ये हूं मुझे आ, के लिए मैंने चेक किया जो कि पोजीशन करंट पोजीशन पे जो नोड है उसके लिए मैंने चेक किया कि क्या ये क्रिटिकल है या नहीं ठीक है तो मुझे पता चल गया कि हाँ ये एक क्रिटिकल नोड है तो अब कोई भी आगे क्रिटिकल नोड होगा तो मुझे उसके उसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा फ्रॉम दिस पोजिशन समाचार है अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रही हूँ अपने लिंकलिस को कहीं पे भी अगर मुझे कोई क्रिटिकल पॉइंट दिखता है अपने लिंकलिस में मूव करते हुए तो मुझे उस क्रिटिकल पॉइंट का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा फ्रॉम दिस पोजिशन ठीक है मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जो कि लास्ट में मेरे को जागे मिलेगा जो कि मुझे एकदम लास्ट में मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट जो कि यहाँ पे फाइव होगा उसका और सिक्स की पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस होगा विल गिव मी द मैक्सिमम डिस्टेंस डिस्टेंस और मिनिमम मुझे क्या मिलेगा इसके जस्ट बाद के जस्ट बाद जो भी क्रिटिकल पॉइंट मुझे मिलेगा उनके बीच में जो डिफरेंस होगा दैट विल गिव मी मिनिमम डिस्टेंस राइट तो पहले मैक्सिमम डिस्टेंस देखते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस Will be, जो भी मेरा लास्ट क्रिटिकल पॉइंट होगा उसकी पोजिशन माइनस जो भी फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट होगा उसकी पोजिशन तो ये दोनों पोजिशन तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा तो अगर पहली बार मुझे कोई क्रिटिकल पॉइंट मिलता है तो क्या मैं फर्स्ट फर्स्ट की जो वैल्यू है उसमें वो चीज अपडेट कर सकती हूँ फर्स्ट और लास्ट में दो, दोनों में अपडेट कर दूंगी ठीक है क्योंकि अभी तक मुझे कोई और नहीं मिला है राइट right, तो पहली बार जब मुझे कोई क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा तो मैं बोल दूंगी कि हाँ फर्स्ट की वैल्यू जो है दैट इज दिस पोजिशन जो अभी करंट पोजिशन है जहां पे मुझे ये फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट मिला ठीक है।, है चलो आप आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए मैं टू पे आई अब यहाँ पे पोजीशन जो है वो इक्वल टू वन हो गई ठीक है मैं हर बारी पोजीशन बढ़ाती रहूंगी यहाँ पे पोजीशन जीरो थे पोजीशन वन हो गई अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगी कि क्या ये क्रिटिकल पॉइंट है तो अगेन मुझे मिलेगा कि हाँ भाई ये तो क्रिटिकल पॉइंट है तो अब मुझे अब मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो अपडेट हो जाएगा ठीक है क्योंकि अभी तक मुझे एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला था अगर एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है तब तो हमारा मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस हम नहीं निकाल सकते तब हम माइनस वन माइनस वन रिटर्न करेंगे लेकिन हमें जैसे ही दूसरा क्रिटिकल पॉइंट मिलता है तब हमें जो है अपना मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो अपडेट करना होगा मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा मैक्सिमम डिस्टेंस इज जो हमें लास्ट क्रिटिकल पॉइंट मिला है माइनस फर्स्ट अब लास्ट क्रिटिकल पॉइंट में क्या बोल सकते कि हाँ ये मेरा लास्ट क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि अभी तक के लिए ये लास्ट है ठीक है अगर लिंक लिस्ट में आगे कोई हुआ क्रिटिकल पॉइंट तो मैं उसको वहां पे अपडेट कर दूंगी लेकिन अभी तक की जो लिंक लिस्ट मेरे ट्रैवर्स करी है उसमें जो लेटेस्ट क्रिटिकल पॉइंट मुझे मिला है वो पोजीशन वन पे है तो पोजीशन वन माइनस जो फर्स्ट फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट की पोजिशन थी फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट की पोजिशन क्या थी जीरो तो करंट जो लेटेस्ट क्रिटिकल पॉइंट की पोजीशन है माइनस जो फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट की पोजीशन थी दैट इज इक्वल टू वन तो मैं मैक्सिमम डिस्टेंस में अभी तक की जो आई है वो वैल्यू डाल दूंगी ठीक है सिमिलरली अब अगर मैं आगे मूव करूंगी टू दिस पॉइंट ठीक है यहाँ पे पोजिशन अब टू हो गई अब मैंने यहाँ पे दोबारा चेक किया फाइव इज ऑल्सो अ क्रिटिकल पॉइंट है ना ये भी एक लोकल मैक्सिमा है तो अब दोबारा मुझे मैक्स डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो चेंज करनी होगी अब जो मेरे पास लेटेस्ट जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है मुझे वो मिला है यहाँ पे एट पोजिशन टू तो फिर से आई विल अपडेट कि मैक्सिमम डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा जो अब लेटेस्ट वैल्यू मुझे मिली है लेटेस्ट क्रिटिकल पॉइंट की पोजिशन विच इज टू माइनस जो फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट था मेरा जीरो तो, तो दैट विल बी इक्वल टू

मैक्सिमम डिस्टेंस समझ लिया है अब लेट्स कि मिनिमम डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा बिटवीन एनी टू क्रिटिकल तो आप ऐसे सोचिए कि अगर मुझे अभी कोई क्रिटिकल ठीक है सपोज इस पोजिशन पे मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिला तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा जिससे पहले जो मुझे लास्ट क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा होगा उसकी पोजिशन और अब जो करंट क्रिटिकल पॉइंट है उसकी पोजिशन के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट शुड गिव मी द मिनिमम डिस्टेंस या फिर अगर पहले मुझे कोई मिनिमम डिस्टेंस मिल चुका है वो राइट तो यहाँ पे मुझे मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा ऑफ जो करंट वैल्यू है मिनिमम डिस्टेंस की ठीक है क्योंकि हो सकता है सपोज यहाँ पे हमारा एक और नोड होता ठीक है तो सपोज मेरे यहाँ पे एक और नोड है फाइव और टू के बीच में थ्री ठीक है तो अब यहाँ पे क्या हुआ मैंने टू और सिक्स के बीच में देखा कि मिनिमम डिस्टेंस जो है वो मतलब जो डिस्टेंस आया इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में वो वन था ठीक है अब यहां पे लेकिन जब मैं दोबारा फाइव पे आऊंगी और फाइव पे भी मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा तो यहां पे इस क्रिटिकल पॉइंट और इसके जस्ट पहले कौन सा क्रिटिकल पॉइंट था टू इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है टू पोजिशन का डिफरेंट है राइट right? क्योंकि यहां पे एक और नोड है बीच में तो वन और टू में से क्या मिनिमम वैल्यू है वन। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो करंट मिनिमम पोजिशन है जो करंट मिनिमम पोजिशन है सॉरी मिनिमम डिस्टेंस है उसका मिनिमम या फिर जो अभी मेरे को क्रिटिकल पोजिशन मिली है जो करंट क्रिटिकल पॉइंट की पोजिशन है लेट्स कॉल इट करंट पोजिशन माइनस जो लास्ट क्रिटिकल पॉइंट था उसकी पोजिशन ठीक है इससे पहले जो भी लास्ट जो करंट क्रिटिकल पोजिशन क्रिटिकल पॉइंट की पोजिशन है इससे पहले जो लास्ट क्रिटिकल पॉइंट में था उसकी पोजिशन उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा या तो वो मिनिमम डिस्टेंस होगा या फिर जो ऑलरेडी मिनिमम डिस्टेंस की पहले वैल्यू थी वो होगी ठीक है एंड क्योंकि हम यहाँ पे हमेशा मिनिमम निकाल रहे हैं तो मिनिमम डिस्टेंस को हम इनिशियलाइज किससे करेंगे मिनिमम डिस्टेंस को हम इनिशियलाइज कर देंगे इंट मैक्स से ठीक है एंड अगर ये वैल्यू हमेशा इंट मैक्स ही रहेगी एट दी एंड ऑफ आर सोल्यूशन तो मतलब कि कहीं पे भी ये अपडेट नहीं हुई है मतलब कि हमारे इसमें या तो कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं हमारे पूरी लिंक लिस्ट में या फिर कोई सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट है तो उसके इसमें हम माइनस वन माइनस वन रिटर्न कर देंगे ठीक है तो अब इसको कोड में देखें एक बारी और क्लियर हो जाएगा हमें सो so, इस फंक्शन में हमें एक एरे रिटर्न करना है वेक्टर रिटर्न करना है ऑफ साइज टू तो हमारा रिटर्न टाइप वुड बी वेक्टर इंट एंड हमें निकालना है डिस्टेंस

ठीक है तो हमारे लिंकलेस डबली लिंकलेस का हेड और टेल हमें मिल रहा है एंड uh, सबसे पहले अपना आंसर वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं वेक्टर इंट आंसर ठीक है विल बी ऑफ साइज एंड इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं विद इंट मैक्स इसके बाद हम दो जो है पॉइंटर्स uh, बनाते हैं इंट फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट ठीक है जो कि हमें फर्स्ट जो भी क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा होगा उस पर उस, उसकी पोजीशन होल्ड कर रहा होगा एंड लास्ट क्रिटिकल पॉइंट विल होल्ड पोजीशन ऑफ द लास्ट जो भी हमें लेटेस्ट क्रिटिकल पॉइंट मिला होगा अभी तक उसकी पोजीशन ठीक है अब एक पॉइंटर बना लेते हैं जो कि हमारे नोड्स को उस करेगा हमारे डब्लिंग लिस्ट को करंट नोड ठीक है एंड कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे देखना हमारा जो टेल नोड है उसके प्रीवियस नोड से मतलब कि सेकेंड लास्ट नोड से हम देखना स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट नोड का सिर्फ एक ही नेबर होगा तो उसको देखने की जरूरत नहीं है एंड यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि अगर ये करंट नोड जो है वो एम हुआ नल हुआ तो मतलब कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमारे लिंक जो है बस इतनी सी ही थी तो हम माइनस वन माइनस वन रिटर्न कर सकते हैं राइट आंसर जीरो एंड आंसर वन में हम माइनस वन डाल के वी कैन रिटर्न आंसर वेक्टर ठीक है नाउ हमें जो है अपना लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करना है करंट नोड के थ्रू जब तक कि ये हेड के इक्वल नहीं आ जाता ठीक है या फिर हम ये भी चेक लगा सकते हैं कि जब तक करंट नोड का नेक्स्ट करंट नोड का सॉरी प्रीवियस नल नहीं हो जाता करंट नोड का प्रीवियस कब नल होगा जबकि जब हम हेड नोड पे होंगे राइट right? तो वी कैन यूज दैट एज वेल अगर हमें हेड नोड नहीं दे रखा है तो जब तक कि करंट नोड का प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू नल तब तक हमारा ये लूप चलेगा जहाँ पे हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि क्या मेरा करंट नोड जो है वो क्रिटिकल है या नहीं इस क्रिटिकल पॉइंट करंट नोड ठीक है अब ये जो इस क्रिटिकल पॉइंट है ये हमें फंक्शन जो है डिफाइन करना होगा लेट्स डिफाइन डिफाइनड यहाँ पे बुलियन फंक्शन होगा ये जो कि बेसिकली हमें बता देगा कि ये जो करंट नोड है जो करंट नोड है वो हमारा बुल क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं ठीक है तो इसको हम पास बाय रेफरेंस करते हैं एंड इफ आर करंट नोड के प्रीवियस की वैल्यू इज लेस देन आर करंट नोड की वैल्यू एंड हमारे करंट नोड के नेक्स्ट की वैल्यू इज ऑल्सो लेस देन करंट नोड की वैल्यू मतलब कि दोनों नेबर्स की जो वैल्यूज है हम रिटर्न कर सकते हैं ट्रू सिमिलरली हम कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे कि अगर करंट जो सॉरी प्रीवियस नोड है उसकी वैल्यू इज मोर देन करंट नोड की वैल्यू एंड जो नेक्स्ट नोड की वैल्यू है दैट इज मोर देन करंट नोड की वैल्यू तो इस केस में मेरा करंट नोड जो होगा वो लोकल मिनिमा होगा उस केस में भी आई विल रिटर्न ट्रू एंड अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होती तो आई कैन रिटर्न फॉल्स ठीक है तो ये हमारा फंक्शन हो गया विल टेल कि कोई भी हमारा करंट नोड जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं ठीक है तो अब इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अगर हमारा करंट नोड इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट तो अब यहाँ पे अगेन दो केसेस हमें चेक करने पड़ेंगे कि क्या ये हमारा पहला क्रिटिकल पॉइंट है या फिर नहीं ठीक है और पहला क्रिटिकल पॉइंट है ये हमें कैसे पता चलेगा अगर फर्स्ट की वैल्यू अभी भी माइनस वन है तो मतलब कि हमें अभी तक पहला क्रिटिकल पॉइंट हमें नहीं मिला है दिस इज़ फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट ठीक है तो इसकी वैल्यू अगर माइनस वन है जिससे हमें इसको हमने इसको इनिशियलाइज किया था तो मतलब कि फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट हमें नहीं मिला है उस में हम फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट की पोजीशन अपडेट कर देंगे एज करंट पोजीशन एंड करंट पोजीशन के लिए हमने अभी तक वेरिएबल नहीं लिया है सो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल करंट करंट पोजिशन ठीक है जो कि जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड uh, यहाँ पे हमें फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट मिलते ही लेट्स फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट की पोजिशन इज इक्वल टू करंट पोजिशन एंड जो लास्ट क्रिटिकल पॉइंट है वो भी उसकी भी वैल्यू भी यही होगी ठीक है so, सो दिस इज इन केस हमें फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट अपना मिलता है अगर जो क्रिटिकल पॉइंट है वो फर्स्ट नहीं है तो उसके इसमें क्या करेंगे हम अपने मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस को अपडेट करेंगे मिनिमम डिस्टेंस जो है दैट वुड बी गिवन टू एस बाय आंसर जीरो ठीक है जो हमारा आंसर वैक्टर है उसकी जो जीरो इंडेक्स पर जो वाली होगी दैट विल बी मिनिमम डिस्टेंस इसको कैसे फाइंड करेंगे दिस विल बी मिनिमम ऑफ जो अभी तक का मिनिमम डिस्टेंस है एंड जो कि करंट पोजीशन जो कि अभी हमें क्रिटिकल पॉइंट मिला है उसके बीच में और जो लास्ट हमारा क्रिटिकल पॉइंट था उनके बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो ठीक है सो दिस इज फॉर फाइंडिंग मिनिमम डिस्टेंस एंड मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए आंसर ऑफ वन वुड बी जो मेरा करंट पोजीशन है माइनस जो मेरा फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट था ठीक है करंट पोजिशन इज गिविंग मी जो अभी जिस पोजिशन पर मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिला है एंड फर्स्ट सी पी गिवी द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट ठीक है तो इन बीच में जो इनके बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस होगा मैक्सिमम डिस्टेंस ठीक है एंड यहाँ पे हम लास्ट क्रिटिकल पॉइंट की पोजिशन को भी अपडेट कर देते हैं टू करंट पोजिशन एंड एट दिस विल डू की सबसे पहले तो करंट पोजिशन को अपडेट कर देंगे एंड हमारा जो करंट नोड है उसको भी अपडेट कर देंगे करंट नोड विल बिकम इक्वल टू करंट नोड का प्रीवियस ठीक है सो वील मूव द करंट नोड बाई वन स्टेप अब यहाँ पे लूप से बाहर निकल कर हमें एक बारी चेक करना पड़ेगा कि हो सकता है कि हमारे लिंक में एक भी क्रिटिकल पॉइंट ना हो या सिर्फ एक क्रिटिकल मिनिमम डिस्टेंस जो है जीरो उसकी वैल्यू जो है अभी भी इंट मैक्स होगी इंट मैक्स तो अगर इसकी वैल्यू अभी भी इंट मैक्स है तो मतलब कि हमें माइनस वन माइनस वन यहां पे रिटर्न करना होगा एंड वी विल रिटर्न आंसर हियर ठीक है लुक्स गुड लेट्स सी यहां पे हमने एक लिंक लिस्ट ले लेते हैं ठीक है फाइव टू सिक्स थ्री ठीक है जो कि अभी हमने एग्जाम्पल में भी देखी थी एंड एक वेक्टर बना लेते हैं अपना आंसर स्टोर करने के लिए वेक्टर इंट आंसर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन क्रिटिकल पॉइंट्स जहां पे हम अपनी लिस्ट का हेड और टेल जो है वो पास कर रहे हैं एंड यहाँ पे वी विल प्रिंट आंसर ऑफ जीरो जो कि हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा एंड आंसर ऑफ वन विच विल बी आर मैक्सिमम डिस्टेंस ठीक है तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस क्या है मिनिमम डिस्टेंस आया वन विच बी द डिस्टेंस बिटवीन फाइव एंड टू या फिर टू एंड सिक्स ये फाइव टू सिक्स ये तीनों हमारे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं राइट एंड मैक्सिमम डिस्टेंस आया टू विच विल बी डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन फाइव एंड सिक्स राइट right. इसको चेंज भी करके देख सकते हैं अपने सोल्यूशन को सपोज यहाँ पे हमारे पास एक और एलिमेंट आ जाता है थ्री um, ठीक है या फिर फोर डाल देते हैं तो अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कौन सा कौन सा है फाइव इज अ क्रिटिकल पॉइंट राइट क्योंकि अपने नेबर से ज्यादा है देन फोर इज नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट टू इज अ क्रिटिकल पॉइंट क्योंकि ये अपने नेबर से कम है इसकी वैल्यू एंड सिक्स इज ऑल्सो क्रिटिकल पॉइंट क्योंकि इसकी नेबर से ज्यादा है वैल्यू ठीक है तो अब यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा मिनिमम डिस्टेंस होगा बिटवीन टू एंड विल बी एंड मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा बिटवीन फाइव एंड सिक्स विच विल बी थ्री ठीक है सो so, इसको रन करके देखते हैं तो ऐसा है, ही आ रहा है हमारा सोल्यूशन यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस वन एंड मैक्सिमम डिस्टेंस थ्री Cool. एक आखिरी क्वेश्चन जो कि डबली लिंक्ड लिस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन शायद हमने कर रखा है ऑलरेडी सिमिलर क्वेश्चन वी आर गिवन द हेड ऑफ अ डबली लिंक्ड लिस्ट एंड द वैल्यूज ऑफ द लिंक्ड लिस्ट आर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर नॉन डिक्रीजिंग मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड uh, हमें फाइंड करना है कि देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ डिस्टिंग सम ऑफ देयर वैल्यूज इज एक्स सच दैट द सम ऑफ देयर वैल्यूज इज एक्स तो हमें ये कुछ वैल्यू एक्स गिवन होगी वी हैव टू रिटर्न दिन द फॉर्म ऑफ्टर एल एन आर वेयर एल एन आर आर द वैल्यूज इन द

उनकी वैल्यूज़ का सम एक्स के इक्वल है या नहीं अगर वो इक्वल है तो हमें उन दोनों वैल्यूज़ को एक वेक्टर में डाल के रिटर्न करना है ठीक है तो ऐसा क्वेश्चन हमने एरेज जब हम प्रैक्टिस करते थे तब हमने किया था ठीक है जिसको हम बोल रहे थे टारगेट सम जहाँ पे हमें एक एरे गिवन था हमें टारगेट सम देना था और हमें ये बताना था कि क्या दो आ, किसी भी एलिमेंट्स की वैल्यूज जो है उनको ऐड करके टारगेट सम के इक्वल आ रहे हैं या नहीं ठीक है तो यहाँ पे देखते हैं अगर हमें एक डबली लिस्ट गिवन है तो वहां पे हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे होंगे सपोज uh, हमारा जो है वो कुछ ऐसा दिखता है ठीक है अब यहाँ पे वन वे टू फाइंड दैट पेयर जिसका सम इक्वल टू एक्स हो दैट इज की हम लूप लगाएं ठीक है सबसे पहले हम 2 को कांस्टेंट रखें एंड बाकी नोड्स के लिए लूप लगाएं कि कहीं पे भी अगर 2 प्लस एनी एलिमेंट इज इक्वल टू कमिंग इज इक्वल टू एक्स तो हमें अपना पैर मिल गया ठीक है वरना फिर हम 5 के लिए चेक करेंगे 5 को कांस्टेंट रख के उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको लूप करेंगे फिर 6 को कांस्टेंट रखें उसके बाद वाले एलिमेंट्स को लूप करेंगे एंड सो so ऑन जब तक कि हमें अपना जो है वो नहीं मिल जाता इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस्यूशन वीड स्क् पड़ेंगे फॉर एवरी नोट वील है नोट ऑफ इट कि क्या उन दोनों नोट्स का जो सम है वो इक्वल टू तो एक्स आ रहा है या नहीं अब यह तो हमारा हो गया ब्रूट फोर्स सोल्यूशन बट कैन वी डू बेटर कैन बी सॉल्व दिस इन O of n, can we solve, solve this linearly? That's what we need to find out. pe what if we make use of two pointer approach? जब भी हमारा कुछ ऐसा question होता है जहाँ पे हम एक कंडीशन दे रखी होती है तो maximum find करना है मिनिमम find करना है या फिर कोई कंडीशन है उसके उसको मैच करना है एंड वी ऑन ए सॉल्व दैट क्वेश्चन इन लीनियर टाइम तो वहाँ पे हम टू पॉइंटर अप्रोच को याद करते हैं टू पॉइंटर अप्रोच में हम दो पॉइंटर्स लेते हैं एंड उसके हेल्प से अपनी एरी को वेक्टर को सिंगली लिंक को डब्ली लिंक को कोई कुछ भी हो हमारा डेटा स्ट्रक्चर कोई भी लिस्ट हो उसको हम ट्रावर्स करते हैं यूजिंग टू पॉइंटर्स नाउ इफ आई स्टार्ट माय पॉइंटर्स फ्रॉम द एक्सट्रीम्स ऑफ माई डब्ली लिंक ठीक है मैंने एक पॉइंटर लिया लेफ्ट पॉइंटर लिया राइट right. ठीक है या फिर क्योंकि हम लिंक की बात कर रहे हैं तो लेट्स लेट्स कीप हेड एंड टेल ओनली, कीप हेड एंड टेल। अब इन दोनों के सम को अगर मैं देखूं कि हेड और टेल को ऐड करके क्या सम आ रहा है यहां पे टू प्लस टेन आ रहा है ट्वेल्व सपोज x की भी वैल्यू ले लेते हैं कि सपोज x की वैल्यू हमें गिवन है इलेवन ठीक है ये हमें निकालना है कि क्या कोई ऐसा पेयर है जिसकी वैल्यूज uh, का सम इलेवन आ रहा हो तो अगर टू और टेन को मैं देखूं तो इनका सम क्या आ रहा है टू प्लस टेन इज इक्वल टू ट्वेल्व विच इज मोर देन इलेवन ठीक है अब टू और टेन का तो मोर आ रहा है ज्यादा आ रहा है मेरे टारगेट सम से तो अब टारगेट सम को मैच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा अगर मुझे टारगेट सम के क्लोज लाना है अपने पैर को या तो मैं हेड को आगे बढ़ा सकती हूं या फिर मैं टेल को पीछे ला सकती हूं ठीक है दोनों तो मैं नहीं करूंगी अगर मैं दोनों कर देती हूं हेड और टेल दोनों को बढ़ा देती हूँ हेड को आगे टेल को पीछे तो हाउ कि टू और एट का क्या रहा है या फाइव और टेन का क्या रहा है समझ रहे हो कि मुझे सिर्फ एक्सट्रीम्स एक्सट्रीम्स पे सिर्फ फर्स्ट लास्ट uh, सिर्फ लास्ट और फर्स्ट सिर्फ सेकंड लास्ट और सेकंड एलिमेंट सिर्फ इनका नहीं चेक करना है राइट मुझे तो जो पेयर मिल सकता है वो कहीं पे भी मिल सकता है राइट तो अब मुझे या तो हेड को आगे बढ़ाना है या फिर टेल को पीछे करना है अब अगर मैं हेड को आगे बढ़ाती हूं तो आपको यहाँ पे एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये है कि मेरे एलिमेंट्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं ठीक है तो अगर मैं हेड को आगे बढ़ाती हूँ तो टू के बाद मुझे टू से बड़ा एलिमेंट ही मिलेगा ठीक है टू से छोटा एलिमेंट नहीं मिलेगा तो अगर मुझे टू से बड़ा एलिमेंट मिलता है तो क्या मेरा सम ज़्यादा नहीं हो जाएगा अभी मेरा सम जो है ट्वेल्व है जबकि टू और टेन है अगर मैंने अपने हेड को आगे बढ़ा दिया तो अब मेरा हेड जो है वो फाइव पे अब फाइव और टेन को अगर मैं ऐड करूंगी तो मेरा सम तो फिफ्टीन बन जाएगा ज्यादा बन जाएगा मेरे टारगेट सम से और दूर हो जाएगा तो टारगेट सम से क्लोज लाने के लिए मुझे अपना टेल पॉइंटर पीछे करना पड़ेगा क्योंकि टेल पॉइंटर पीछे करने से क्या होगा जो मेरा अभी करंट टेल था वो टेन पे था टेल को अगर मैं पीछे करती हूँ तो करंट वाले एलिमेंट से छोटी वैल्यू ही होगी क्यों क्योंकि मेरा आर जो है सॉरी नॉट द आरे मेरी लिंकलेस जो है उसमें जो नोड्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो अगर टेल को मैं पीछे करती हूँ तो उससे पहले वाले जो नोड की वैल्यू होगी वो करंट जो टेल है उसकी वैल्यू से कम ही होगी राइट तो नाउ इफ आई चेक नाउ इफ आई चेक कि टू प्लस एट क्या आता है टू प्लस एट टू प्लस एट इज इक्वल टू टेन अब ये तो कम हो गई मेरे टारगेट सम से वैल्यू ठीक है मुझे अब ज्यादा चाहिए तो अब ज्यादा वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ज्यादा वैल्यू के लिए मैं अपना हेड आगे बढ़ाऊंगी जैसे मेरी मेरा जो सम है वो बड़े ठीक है क्योंकि हेड को अगर मैं आगे बढ़ाती हूँ तो नेक्स्ट नोड की जो वैल्यू है वो मेरे करंट नोड की वैल्यू से ज्यादा ही होगी क्योंकि अगेन मेरी link list जो है वो ऑर्डर में है तो अब क्या हुआ अब और हेड और की अगर मैं वैल्यूज को चेक करूँ तो फाइव प्लस एट दैट इज कमिंग आउट टू बी थर्टीन अब ये वैल्यू तो दोबारा जो है मेरे टारगेट सम से ज्यादा हो गई अब मुझे वापस अपने टारगेट जो सम है उसको कम करना है कम करने के लिए मैं अपने टेल को पीछे बढ़ाऊंगी टेल को पीछे किया तो अब मैंने चेक किया फाइव और सिक्स फाइव और सिक्स फाइव प्लस सिक्स क्या होता है इलेवन एंड दैट इज इक्वल टू माई टारगेट सम ठीक है तो यहाँ पे समझ में आया कि क्या कर रहे हैं हम जो है स्टार्टिंग और एंड ऑफ द लिस्ट से ट्रावर्स करना स्टार्ट करें यूजिंग टू पॉइंटर्स ठीक है हेड एंड टेल इन दिस केस या फिर हम लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स भी ले सकते हैं एंड अब लॉजिक ये है कि हम उन पॉइंटर्स को आगे कब बढ़ाएंगे इन विच केस हेड पॉइंटर को हम तब बढ़ाएंगे आगे जब हमें बड़ा नंबर चाहिए जब हमारा टारगेट सम अब जो है उससे हमारा सम जो है वो छोटा आ रहा है ठीक है टारगेट सम को मीट करने के लिए हमें अपना सम बढ़ाना पड़ेगा तो हमें बड़ा नंबर लेना पड़ेगा बड़ा नंबर के लिए हम अपने हेड पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे और अगर हमारा करंट सम जो है वो टारगेट सम से ज्यादा आ रहा है मतलब कि हमें छोटा नंबर चाहिए छोटे एलिमेंट्स चाहिए जिनसे मेरा पेयर बने तो उसके लिए छोटे नंबर के लिए छोटे वैल्यू के लिए मुझे अपने टेल नोट को पीछे लाना पड़ेगा ठीक है तो ये मैं तब तक करती रहूंगी जब तक मुझे या तो टारगेट सम नहीं मिल जाता या तो हेड और टेल के जो सम है वो टारगेट सम के इक्वल नहीं आ जाता उनके वैल्यूज का सम टारगेट सम के इक्वल नहीं आ जाता या फिर मेरा टेल पॉइंटर पॉइंटर अगर को क्रॉस कर जाता है या फिर इक्वल हो जाता है ठीक है इन दिस केस अगर अभी भी फाइव और सिक्स मतलब सपोज मेरा ये कुछ और ही होता फोर्टीन होता सपोज ठीक है अभी भी मेरा टारगेट सम इक्वल नहीं आया होता तो या फिर नॉट फोर्टीन लेट्स तो इस केस में मैं क्या करती अपना हेड और टेल पॉइंटर दोबारा मूव करती और फिर मेरा हेड और टेल पॉइंटर जो सेम नोड पे आ जाता एंड देन आई कुड स्टॉप क्योंकि जो भी मेरा हेड और टेल होगा वो हमेशा डिस्टिंक्ट नोड्स पे होना चाहिए ठीक है हमें यहाँ पे गिवन है कि वी हैव टू फाइंड अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट नोड्स तो अगर मेरा हेड और टेल सेम नोड पे आ रहा है तो आई कैन स्टॉप चेकिंग दर ठीक है तो आई आई इन दैट केस आई जस्ट रिटर्न माइनस वन माइनस वन इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अब सीधा तो हमें यहाँ पे एक वेक्टर पास करना होगा ऑफ साइज टू जिसमें हमारे उस पेयर की वैल्यू होगी पेयर ऑफ नोट्स की वैल्यूज होंगी जो कि हमें टारगेट सम दे रहा होगा एंड वी हैव टू फाइंड पेयर सम इन डब्ली लिंक लिस्ट जहाँ पे हमें अपने लिंक लिस्ट का हेड मिल रहा होगा अपने लिंक लिस्ट का टेल मिल रहा होगा एंड सम मिल रहा होगा एक्स ठीक है तो हेड और टेल पॉइंटर्स को हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे एंड कब तक जो है ट्रावर्स कर रहे होंगे जब तक कि हेड इज नॉट इक्वल टू टेल ठीक है जब तक कि ये दोनों पॉइंटर्स सेम नोट पे नहीं आ जाते तब तक हम चेक करते रहेंगे सबसे पहले हम सम निकाल लेंगे सम क्या होगा उसकी वैल्यू प्लस जो टेल नोड हम है हमारे टारगेट सम के तो उस केस में यही हमारा सोल्यूशन होगा सोल्यूशन के लिए हम एक वेक्टर बना लेते हैं यहाँ पे वेक्टर इंट आंसर जिस जो टू साइज का होगा एंड इनिशियलाइज कर देते हैं माइनस वन ठीक है कि अगर कहीं पे हमें टारगेट सम नहीं मिला तो हम सीधा इसको रिटर्न कर देंगे तो अगर हमारा सम जो है वो equal to target sum आ जाता है equal to x, तो उस केस में जो हेड और टेल पे जो अभी नोड्स हैं वही हमारे आंसर नोड्स होंगे तो उस केस में आंसर जीरो में मैं डाल देती हूँ हेड की वैल्यू एंड आंसर वन में डाल देती हूँ टेल की वैल्यू ठीक है और मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है मैं यहीं पे रिटर्न कर सकती हूँ अपना आंसर वेक्टर ठीक है अगर ऐसा नहीं होता अगर ऐसा नहीं होता हमें टारगेट सम नहीं मिलता तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या जो ये सम है क्या ये टारगेट सम से ज्यादा है अगर टारगेट सम से ज्यादा है मेरा करंट सम तो मतलब कि मुझे छोटी वैल्यूज चाहिए इसका मतलब कि आई नीड स्मॉलर वैल्यूज तो आई विल मूव माई टेल पैक क्योंकि मुझे छोटी वैल्यू चाहिए छोटा सम चाहिए मेरा भी समझ है वो एक से ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए छोटी वैल्यू के लिए मुझे अपना टेल पॉइंटर को पीछे लाना पड़ेगा तो आई विल से टेल ज इक्वल टू टेल का प्रीवियस एल्स एल्स केस क्या होगा एल्स केस में सम कि मतलब कि जो है वो लेस देन एक्स है तो उस केस में आई नीड बिगर वैल्यूज एंड इस केस में आई विल मूव माई हेड इस केस में आई विल मूव हेड

Let's create a link list ठीक है हमारा जो भी हमें हमारा vector आंसर आंसर वेक्टर मिल रहा होगा फ्रॉम दिस फंक्शन जहाँ पे हम अपना हेड पास कर रहे हैं अपना लिंकलेस का टेल पास कर रहे हैं टारगेट सम पास कर रहे हैं जो कि इलेवन दिया था हमने अपने एग्जाम्पल में ठीक है सो यहाँ पे लेट्स प्रिंट नाउ ठीक है तो यहाँ पे इलेवन जो है हमने टारगेट सम दिया था एंड फाइव और 6 को ऐड करके मिल रहा है हमारा टारगेट फाइव एंड सिक्स हमें मिल रहा है अपने आउटपुट में अगर इसको मैं चेंज कर दू टू फोर तो यहाँ पे इलेवन जो है मुझे कहीं पे भी नहीं मिलेगा टारगेट सम तो इस केस में माइनस वन माइनस वन प्रिंट हो रहा है ठीक है सो so, हमारा सोल्यूशन जो है वो सही चल रहा है एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो हम यहाँ पे लीनियर टाइम में कर पा रहे हैं ओ ऑफ एन में ठीक है जहाँ पे हमारा हेड और टेल जो है जब तक सेम पॉइंट पे नहीं आ जाता सेम नोट पे नहीं आता तब तक हम अपने लिंक लिस्ट को ट्रावर्स कर रहे हैं कूल cool. तो ये थे सारे क्वेश्चंस जो भी हमें प्रैक्टिस करने थे ऑन डब्ली लिंक लिस्ट बाकी सिंगली लिंकलिस्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं तो डब्ली लिंक लिस्ट में अगर आपको कोई अलग से क्वेश्चन आते हैं तो आई फील आप लोग कर पाओगे प्रैक्टिस बट डू लुक एट यू नो लीड कोड एंड अदर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन दिखे इन टॉपिक से रिलेटेड ट्राई टू फिनिश सेम ऑफ ठीक है फॉर नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सर्कुलर लिस्ट